चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड आफ्टरनून। और स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों अपन बहुत ही प्यारा सा अपना सब्जेक्ट दैट इज नोन एज EIS। और EIS के अंतर्गत बेसिकली हमारा रिवीजन होने वाला है चैप्टर नंबर 3 मेरी बुक के हिसाब से, जिसका नाम क्या दोस्तों, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी दोस्तों, सिस्टम की। भाई सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट दैट कम टुगेदर फॉर अचीविंग अ सिंगल ऑब्जेक्टिव बाय टेकिंग सम इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग सम आउटपुट। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है, एक सिस्टम है। नाटक क्लासेस क्या है, एक सिस्टम है। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों दैट इज अबाउट द प्रोसेस की। भाई प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट यूज इनपुट टू प्रोड्यूस दी आउटपुट। और ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये प्रोसेस काफी कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी बाय पीपल और मशीन व्हिच हेल्प टू अचीव दी आउटपुट। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो यहां पर क्योंकि हम बात करने वाले फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो ये जो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम जो है दोस्तों अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे इसकी जरूरत अकाउंटेंट को पड़ती है, ऑडिटर को पड़ती है, बिजनेस मैनेजर को पड़ती है। अकाउंटेंट को क्यों पड़ती है, क्योंकि वही तो बनाने वाला है क्या, आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, तो बनाने के लिए पड़ेगी। ऑडिटर को क्यों पड़ेगी, ताकि वो ये चेक कर पाए कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है। और मैनेजर्स को इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि उन्हें राइट इंफॉर्मेशन मिल पाए राइट टाइम पे, ताकि वो क्या ले पाए, राइट डिसीजन। तो दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डिफरेंट पर्संस। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज नोन एज टाइप ऑफ डेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा दोस्तों। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में दो प्रकार का डेटा होता है, एक होता है मास्टर डेटा और एक होता है नॉन मास्टर डेटा। ऐसा डेटा जो कि परमानेंट इन नेचर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मास्टर डेटा। और ऐसा डेटा जो कि बार बार क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन मास्टर डेटा। अगर अपन मास्टर और नॉन मास्टर डेटा के बारे में डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो पहला चीज परमानेंट होता है मास्टर, नॉन परमानेंट होता है नॉन मास्टर। जो कि यूजर डालने नहीं मिलता है, यूजर उसे डालता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर उसे क्रिएट करके देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मास्टर। और जो कि टाइप्ड बाय यूजर होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन मास्टर। बिजनेस के सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो एक कॉमन मास्टर डेटा को ही यूज करते हैं। आज नाटक क्लासेस में आप आते हैं तो ये जो नेम होता है ना, नेम, ये है मास्टर मेरे लिए। मोबाइल नंबर क्या है, मास्टर मेरे लिए। समझ में आ गया। आज आप आए, आपने अपना नेम फिल कराया, आपने अपना फोन नंबर फिल कराया, आज आप इंक्वायरी में भी देखेंगे। इंक्वायरी के बाद आपने फाउंडेशन में एडमिशन लिया, आप उसमें भी देखेंगे। सेम मान लीजिए आपने इंटर में एडमिशन लिया, आप उसमें भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी फीस ड्यू है, उसमें भी आप देखेंगे। आपको बुक्स मिल गई है, आप उसमें भी देखेंगे। आपका सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसमें भी आप देखेंगे। आपने एनपीसी का एग्जाम दिया है तो उसमें भी आप देखेंगे। आपका एनपीसी का जो रिजल्ट आया उसमें भी आप देखेंगे। तो हर जगह आप हैं। तो एक बार हमने आपको डाल दिया और वहीं से ही सारी जगह क्या चल रहा है, आपका कॉपी पेस्ट चल रहा है। दिस इज वर्ड मास्टर डेटा, जो बार 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 चेंज होता है, दैट इज अ नॉन मास्टर डेटा। जो कि डेट, डेट बार बार क्या होती है, चेंज होती है, इसे अपन बोलते हैं नॉन मास्टर डेटा। समझ में आ गया दोस्तों। मास्टर डेटा अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत चार प्रकार के डेटा होते हैं दोस्तों, जैसे अपन बोलते हैं अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, पेरोल, स्टैट्यूटरी। तो अकाउंटिंग डेटा होता है, मास्टर डेटा होता है, इन्वेंटरी होता है, पेरोल होता है और स्टैट्यूटरी होता है। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरे यहां पर जो बुक्स रखी हुई है रायपुर ब्रांच में, ये किस में आएगा, इन्वेंटरी में आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं मुझे जो जीएसटी पे करना है वो किस में आएगा, स्टैट्यूटरी में आएगा। सैलरी, बोनस, ग्रेचुटी, पेरोल पे आएगा। जो मैं सेल की एंट्री पास करता हूं, परचेज की एंट्री पास करता हूं, ये अकाउंटिंग में आएगा। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का अच्छे से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, पेरोल, स्टैट्यूटरी। ओके, अगर अपन बात करें दोस्तों एंटिटीज की, एंटिटीज भी अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। आपको देखने के लिए मिलेगी तीन प्रकार की एंटिटी यहां पे। एक होती है ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली एंटिटी, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और एक होती है सर्विस एंटिटी। अगर मैं बात करूं दोस्तों ट्रेडिंग एंटिटी का, तो ट्रेडिंग एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, ये क्या कहती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कहती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। किराने की दुकान, ये कौन सी एंटिटी है बताइए, ट्रेडिंग एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये क्या कहलाती है बताइए,
मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है. ओके, अगर मैं नाटा क्लासेस की बात करूं तो ये क्या कहलाएगी बताइए? सर्विस एंटिटी. समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं मेजर प्रोसेस ट्रेडिंग एंटिटी की क्या रहती है, उन्हें इसे परचेस करना है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, सैलरी वगैरह पे करनी है, फिक्स एसेट को मेंटेन करना है और रेवेन्यू रिसीवेबल, किसको कितना दिया, किससे कितना लेने का, इतना ही इनके लिए मेन होता है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंतर्गत बातें अलग हो जाती है. इनको परचेस भी देखना पड़ता है, प्रोडक्शन भी देखना पड़ता है, WIP भी देखना पड़ता है, फिर रेवेन्यू रिसीवेबल भी देखना पड़ता है. यहां पे कुछ नया आ जाता है. अच्छा, इसके बदले सर्विस एंटिटी में जाओगे तो परचेस की जरूरत नहीं है, सेल्स की जरूरत नहीं है. यहां पर आ जाता है हमारा रेवेन्यू, यहां पे आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर, यहां पे आ जाता है पेरोल, यहां पे आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स. याद रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी तीन है दोस्तों, कौन कौन सी बताइए? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस. आइए दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर के, दैट इज नोन एज वाउचर. व्हाट इज वाउचर दोस्तों? वाउचर का मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन. क्या बोलेंगे दोस्तों? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन. वाउचर वही जगह होती है जहां पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और यही बनता है इनपुट. यही बनता है क्या दोस्तों? इनपुट. तो आज अगर आपको फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ डालना है तो कहां से डालोगे? वाउचर्स से डालोगे. समझ में आ गया? पक्का दोस्तों? अच्छा, अगर अपन बात करें दोस्तों एवरी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर आपको रिकॉर्ड करना है कहां पे? अकाउंटिंग सिस्टम में. इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? वाउचर. आज आपने फीस पे किया, आपको एक कागज मिला होगा दोस्तों नाटक क्लासेस से, दैट इज अ वाउचर. अब मैंने भी अगर अभी नीचे गया, मैंने कुछ खरीद के लाया, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप खरीदा या आईपैड खरीदा, तो मुझे वहां से बिल मिला, वो मेरे लिए क्या है दोस्तों? वाउचर. समझ में आ गया दोस्तों? पक्का? चलिए, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? वाउचर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है. अगर हम बात करें वाउचर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे पेमेंट वाउचर होता है, कॉन्ट्रा वाउचर होता है, रिसीट वाउचर होता है, जर्नल वाउचर होता है, सेल्स वाउचर होता है, परचेज वाउचर होता है, क्रेडिट नोट होता है, डेबिट नोट होता है, फिजिकल स्टॉक होता है, डिलीवरी नोट होता है. ये सभी क्या है दोस्तों? वाउचर्स के टाइप है, ठीक है. अकाउंटिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के अंतर्गत पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब किस में आता है? अकाउंटिंग में. इसी के बदले परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट, ये किसमें आएगा बताइए? इन्वेंटरी में. अटेंडेंस और पेरोल किसमें आएगा? पेरोल में. अरे याद आ रहा है? पक्का? चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं. इसके ऊपर सवाल आ सकता है वाउचर के नंबर के ऊपर. भाई वाउचर का नंबर कैसा होना चाहिए? तो वो यूनिक होना चाहिए. तो भाई वाउचर के अंतर्गत अगर आप नंबर देखेंगे तो हमेशा क्या होता है? यूनिक. जो यशमान को मिला होगा दोस्तों रिसीट, वही नंबर की रिसीट दिनेश को नहीं मिल सकती, वही नंबर की रिसीट पुनीत को नहीं मिल सकती. तो उनके क्या हो जाता है? यूनिक नंबर सीरीज होती है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सेपरेट नंबरिंग सीरीज होती है. क्या होती है? सेपरेट नंबरिंग सीरीज, ठीक है. उसके बाद इनके बीच में कुछ प्रीफिक्स भी होता है, कुछ सफिक्स भी होता है. जैसे कि भाई हम लिखते हैं NPC/2122/, ठीक है. फिर आपका रिसीट नंबर है 001-CAI, तो CAI स्टैंड फॉर CA इंटर. जब हम CAF लिखते तो क्या हो जाता है? CA फाउंडेशन. तो पहली चीज मट बी यूनिक, सेपरेट नंबरिंग सीरीज. फिर क्या? प्रीफिक्स और सफिक्स. फिर कैसे होने चाहिए? सीरियली नंबर्ड. कैसे होने चाहिए? सीरियली नंबर्ड. रिकॉर्डेड भी कैसे होने चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. कैसे होने चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. एंड अर्लियर मस्ट हैव अर्लियर नंबर. मतलब के बोला गया भाई पहले वाले में पहले का नंबर ही रहेगा. तो ये कोई काम का नहीं है. मेन है ऊपर के हमारे जो है 205 दिए हुए. पहला क्या? इट मस्ट बी यूनिक. दूसरा क्या है? इट मस्ट बी अ सेपरेट नंबरिंग सीरीज. मस्ट हैव अ प्रीफिक्स और सफिक्स. ओके, सीरियली नंबर्ड एंड रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. समझ में आ रहा है दोस्तों? पक्का? अच्छे से. चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट बात दी हुई है दोस्तों, दैट इज अबाउट व्हाट? दैट इज अबाउट दी अकाउंटिंग फ्लो के बारे में, ठीक है. अकाउंटिंग का फ्लो कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन के बाद क्या होती है? वाउचर की एंट्री. वाउचर एंट्री के बाद क्या होती है? उसकी पोस्टिंग, फिर बैलेंसिंग, फिर उसके बाद बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है दोस्तों? हमारा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड PNL. तो अगर अकाउंटिंग फ्लो पूछा जाए तो क्या होगा बताइए? पहले ट्रांजेक्शन, फिर वाउचर की एंट्री, फिर पोस्टिंग, फिर बैलेंसिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, उससे बनता है PNL और बैलेंस शीट. कोई भी डाउट? सिंपल. नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात की जा रही है लेजर के बारे में. दोस्तों लेजर आपको पता ही है दोस्तों, दो प्रकार के लेजर होते हैं दोस्तों. लेजर की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो लेजर वैसे अगर देखा जाए तो आपने अपनी भाषा में पढ़ा था रियल पर्सनल नॉमिनल. लेकिन यहां पर नहीं होता, यहां पर दो प्रकार के होते हैं. एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट. डेबिट मतलब आपको याद होगा एसेट और एक्सपेंसेस होते हैं. डेबिट इनकम और लाइबिलिटी क्या होते हैं दोस्तों? क्रेडिट. एसेट और एक्सपेंसेस, एसेट और लाइबिलिटी जाते हैं बैलेंस शीट में, इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं PNL में.
समझ में आ गया दोस्तों पक्का। अब अगर आपको मान लीजिए इंटरैक्ट करना है किससे, सॉफ्टवेयर से, तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना दोस्तों, सॉफ्टवेयर में अगर आपको इंटरेक्शन करना होता है तो यूजर जो है जब सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है तो वो एक्चुअली में फ्रंट एंड पे करता है। किस पे करता है? फ्रंट एंड पे। और इसके पीछे होता है बैक एंड जो पूरा क्या करता है, प्रोसेस करके देता है। आज अगर मैं मान लीजिए एक शेयर टर्मिनल में जाके अपने शेयर परचेस करता हूं तो मेरे सामने जो शेयर का टर्मिनल आता है उसमें बाय सेल करता हूं, तो जो बाय सेल मैंने किया दैट इज व्हाट दोस्तों फ्रंट एंड। और ये जो बाय सेल है वो पीछे जाके स्टॉक मार्केट में होता है, डिपॉजिटरी के पास जाके होता है, तो वो क्या हो जाता है बताइए, बैक एंड। तो देर आर टू एंड्स इन द सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट वन इज द फ्रंट एंड एंड द सेकंड वन इज द बैक एंड। द फ्रंट वन, फ्रंट एंड जो होता है इट इंटरैक्ट्स विद यूजर एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द बैक एंड। समझ में आ गया? और बैक एंड मतलब वो सारे के सारे प्रोसेस करता है, और वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट नहीं करता है, फ्रंट एंड से नहीं करता। आप सुनो, अगर डायरेक्टली वो यूजर से नहीं करता, अगर डायरेक्टली वो यूजर से नहीं करता इसका मतलब क्या होता होगा, यूजर फ्रंट एंड को कुछ बोलता है, फ्रंट एंड बैक एंड को बोलता है, बैक एंड वापस फ्रंट एंड को बोलता है, फ्रंट एंड फिर यूजर को दिखाता है, बैक एंड सीधा चल करके नहीं आ जाता। समझ में आ गया दोस्तों पक्का। आइए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या, आपको पता ही दोस्तों कि भाई जहां पर, अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जहां पर क्या होता है दोस्तों, सारे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है एक तरीके से, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यही होता है जो इनपुट लेता है, और ये क्या करता है दोस्तों, जो इंस्ट्रक्शन इसको बोले गए उसे फॉलो करता है, और आपको क्या देता है दोस्तों, डिजायर्ड आउटपुट देता है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पहले की बात करें तो इसमें एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं क्या बोलता हूं, आत्मा। मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, आत्मा। ये लैपटॉप है शरीर, इसके अंतर्गत विंडोज जो है वो है आत्मा, और विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मेरा वीएलसी प्लेयर है, मेरा यहाँ पे ओबीएस सिस्टम है, यहाँ पे मेरा गूगल क्रोम है, ये सब क्या है मेरे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो मेन हमारी जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। मेरे को यूट्यूब में लाइव जाना है, मुझे गूगल क्रोम में जाना पड़ता है, मुझे इतना अच्छे से दिखाना है पूरा सेटअप अपना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तों, मुझे ओबीएस में जाना पड़ता है। तो आज अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलरली पीपीटी दिखानी है आपको, तो इसके लिए मुझे पावर पॉइंट में जाना पड़ता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों पक्का? अच्छे से चलिए, अब अगर अपन बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है बताइए, इनपुट लेता है यूजर से, परफॉर्म करता है सर्टेन वैलिडेशन, क्योंकि भाई आप ये काम कर सकते कि नहीं वही सारी चीजें देखता है। उसके बाद ये जो वैलिडेशन करने का जो काम है ना दोस्तों, ये दे दिया है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अच्छा ये तो काम करेगा, अब डेटा भी तो इसको चाहिए होगा, तो डेटा लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, और डेटा उसको मिलता है, डेटा इसके पास स्टोर नहीं होता, डेटा किसके पास है, हार्ड डिस्क के पास। तो हार्ड डिस्क से जो डेटा लाना है वो लाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो क्या बोला गया, एन एप्लीकेशन लेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, डेटाबेस लेयर, तीन लेयर होती है, और कोई भी सिस्टम के अंतर्गत जहां तीन लेयर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। एप्लीकेशन लेयर रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर देन कैरीज दिस एंड प्रोसेस देम यूजिंग द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, और फिर वापस रिटर्न किसको करता है, एप्लीकेशन लेयर को। और डेटाबेस लेयर में क्या स्टोर होता है, डेटा। तो एप्लीकेशन लेता है, ठीक है, फिर वहां से डेटा आता है किसके पास, से डेटाबेस लेयर से डेटा आता है, कौन लेके आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन यहां पर काम करता है और फिर इसे क्या कर देता है, प्रेजेंट कर देता है किसको, यूजर को। समझ में आ गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों, एक हो जाता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और एक हो जाता है वेब एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, जो मेरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है उसे अपन क्या बोलेंगे, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। और जो मेरे क्लाउड में है, जो वेब बेस्ड है, उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, वेब एप्लीकेशन। अगर मैं बोलूं जो मेरे यहां पर इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, जो मेरे यहां पर इंस्टॉल्ड नहीं है, दैट इज वेब एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूं जिसे मैं यहीं बैठ करके ही एक्सेस कर सकता हूं, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। जो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, वेब एप्लीकेशन। जिसके अंतर्गत मैं मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, That is हमारा वेब एप्लीकेशन। समझ में आ गया? उसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन भी होते हैं और 24/7 हम उसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मेरे यहां पर है उसका वेब एप्लीकेशन बनाया नहीं जा सकता। तो अगर अपन बात करें उसमें डिफिकल्ट होता है वेब को, सॉरी मोबाइल को यूज करना। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आप मोबाइल को यूज नहीं कर सकते, वेब एप्लीकेशन में आप मोबाइल को यूज कर सकते हो। अगर हम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें जो डेटा है वो मेरे कंप्यूटर में फिजिकली स्टोर होता है, लेकिन वेब एप्लीकेशन में जो डेटा है वो ऊपर जाकर के कहां पर स्टोर होता है दोस्तों, हमारे क्लाउड में। क्लाउड मतलब डेटा सेंटर, जहां पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता।
समझ में आ गया, डेटा की सिक्योरिटी ज्यादा कहां पर है? इंस्टॉल्ड में, और कहां पर कम है? क्लाउड में, दैट इज डेटा सेंटर में या वेब में। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे डेटा के साथ साथ मेरे कॉम्पिटिटर का डेटा भी पड़ा हुआ है। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों तो परफॉर्मेंस वाइज इंस्टॉल्ड ज्यादा अच्छा है कि वेब ज्यादा अच्छा है? इंस्टॉल्ड, क्योंकि भाई मेरा सिस्टम है यही है, पास में ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब मैं वेब की बात करता हूं तो डेटा कहां जाता है बताइए? डेटा सेंटर में, और डेटा सेंटर से उठा के लेकर के आते हैं तो डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड। हो सकता है इंटरनेट स्पीड के कारण वहां से डेटा को आने में क्या हो जाए दोस्तों? समय लग जाए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही दोस्तों? पक्का? अच्छे से चलिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑब्वियसली बात है मेरा वाला जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे यहां पर सब कुछ इंस्टॉल्ड है, मुझे सब कुछ बदलना पड़ जाएगा। तो यहां पर जो है तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि खर्चा लगता है। ऐसा नहीं है फ्लेक्सिबल नहीं है, खर्चा करना पड़ेगा। फिर मुझे वापस से एक एप्लीकेशन जो है वो एक नया, अगर मुझे अपग्रेडेड लेना है तो अपग्रेडेड वो भी लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ट्राई कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल नया iOS मेरे पुराने iPhone 5 में इंस्टॉल हो जाए, हो जाएगा क्या? iOS 15, एप्पल का iOS 15 नया लॉन्च हुआ जो iPhone 13 के लिए। मेरे पास iPhone 5 है, मैंने 7 साल पहले लिया था, क्या आप मुझे बताइए उसमें मैं डालूंगा तो डल जाएगा क्या? नहीं, वो बोल रहा भैया इट इज नॉट कंपैटिबल। समझ में आया? आज अगर मुझे iOS 13 जैसा जाना है तो मेरे को अब 1,29,000 का फोन भी लेना पड़ेगा। समझ में आएगी? नहीं, तो ऐसा नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बट पैसा नहीं है। समझ में आया? लेकिन इसी के ही बदले अगर हम किसकी बात करते हैं? क्लाउड बेस की, तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वहां पर हमारा खुद का क्या नहीं लगता दोस्तों? पैसा लगता नहीं है। मैं अपने हिसाब से अपनी चीजों को क्या कर सकता हूं? अप एंड डाउन कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छे से वापस से एक और बार करेंगे, एकदम फास्ट करेंगे। बस मुझे बताएंगे इंस्टॉल्ड की वेब, ठीक है? फटाफट मुझे बताएंगे कहां पर मेरे पास रहता है इंस्टॉल्ड, कहां पर मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं वेब, कहां पर मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं होता इंस्टॉल्ड, कहां पे यूज होता है वेब, कहां पे डेटा स्टोरेज मेरे यहां पे है इंस्टॉल्ड, और कहां पर डेटा सेंटर पे है वेब, कहां पर 24/7 मैं यूज कर सकता हूं वेब, कहां पे परफॉर्मेंस जो है अच्छा है इंस्टॉल्ड, कहां पर फ्लेक्सिबिलिटी कम है इंस्टॉल्ड, कहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वेब, कहां पे परफॉर्मेंस स्लो होता है इंटरनेट स्पीड की वजह से वेब। क्या बोला है दोस्तों? समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे से आइए दोस्तों बात करेंगे अब और सिस्टम के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम दोस्तों, एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब यहां पर आप डेटा को कहां रख रहे हैं? डिसेंट्रलाइज्ड वे पे रख रहे हैं, हर कोई अपना ओन डेटा मेंटेन कर रहा है, सेपरेटली मेंटेन कर रहा है और हमारा काम चल रहा है। मतलब मार्केटिंग का अलग डेटा है, प्रोडक्शन का अलग डेटा है, सेल्स का अलग डेटा है, लॉजिस्टिक का अलग डेटा है, इस तरीके का धंधा आपके यहां पर चल रहा है। तो ऐसे धंधे को अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम है, दैट इज पहला कम्युनिकेशन गैप होता है, दूसरा मिसमैचिंग ऑफ डेटा होता है। क्योंकि मेरे पास जो डेटा है, आपके पास जो डेटा है, उसके अंतर्गत हमने कम्युनिकेट अगर ज्यादा समय तक नहीं किया होगा तो मेरा डेटा पता चला अपडेट हो गया, तुम्हारा डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो देयर आर बेसिक टू प्रॉब्लम, द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन गैप एंड द सेकंड वन इज मिसमैचिंग ऑफ डेटा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाती और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए। इसीलिए दोस्तों लाया गया है दोस्तों इंटीग्रेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसके लिए लाया गया बहुत ही प्यारा सा सॉफ्टवेयर, जिसके बेहतर ना तो कोई सॉफ्टवेयर बना है ना तो बनेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम है भाई और उनकी बहनों एंटरप्राइज, दैट इज आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जिसे अपन बोलते हैं ERP। समझ में आ गया दोस्तों? यहां पर आ गया EIS लिख दिया दोस्तों यहां पे, तो अपन को यहां पे ठीक कर देता हूं मैं, सॉरी नशे में लिखा है दोस्तों। आइए तो अगर अपन बात करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इतना कमाल का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सारी चीजें क्या हो गई? इंटीग्रेटेड हो गई, एक ही जगह पर सब कुछ आकर के क्या हो गया दोस्तों? समाहित हो गया है, ठीक है? सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर क्या होता है दोस्तों? स्टोर्ड होता है। तो इसका मतलब यहां पर सेंट्रल क्या है दोस्तों? डेटाबेस है। क्या है दोस्तों? सेंट्रल डेटाबेस। आज आपका सेल का डेटा, परचेज का डेटा, एचआर का डेटा हो या फिर प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, सारा डेटा एक ही जगह पर होगा। जब डेटा एक जगह पर होगा तो क्या कम्युनिकेशन गैप होगा? नहीं होगा। क्या मिसमैचिंग ऑफ डेटा होगा? नहीं होगा।
समझ में आया। ईआरपी पर सवाल आता ही आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ईआरपी क्या होता है दोस्तों? इट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोलो दोस्तों क्या है? फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करता है? इंटीग्रेट करता है कोर एंड मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस को, कोर बिजनेस प्रोसेस को और मैनेजमेंट प्रोसेस को, दोनों को इंटीग्रेट करता है। तो वापस बताएं, इट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इंटीग्रेट करता है किसको? कोर बिजनेस को एंड मैनेजमेंट प्रोसेस को, जिसके कारण हमें रियल टाइम रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके कारण हमें रियल टाइम रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है। वापस बोलेंगे, इट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या कहते हैं? इंटीग्रेट करता है कोर बिजनेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस को, जिससे क्या मिलती है? रियल टाइम रिलायबल इंफॉर्मेशन। इट इज अ मल्टी मॉड्यूल सिस्टम, एक मॉड्यूल नहीं दोस्तों, मल्टी मॉड्यूल। आज सीए जितना बेहतरीन कोर्स कोई नहीं है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजों को इंटीग्रेट कर लिया। तुमको अकाउंट्स भी सिखा रहे, तुमको लॉ भी सिखा रहे, तुमको कॉस्ट भी सिखा रहे, तुमको कंप्यूटर भी सिखा रहे, तुमको बिजनेस भी सिखा रहे, तुमको एफएम भी सिखा रहे, तुमको लॉ भी सिखा रहे, तुमको टैक्स भी सिखा रहे। अरे सब कुछ एक ही है ना। एलएलबी करोगे ओनली लॉ सीख पाओगे। अगर आप बात कर रहे हैं सीएस बनेंगे फॉर एग्जांपल, तो कंपनी लॉ का आपके पास अच्छा ज्ञान होगा, लेकिन आपके पास बाकी ज्ञान शायद थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद अगर आप सीएमए करते तो कॉस्ट का बहुत ज्ञान रहेगा आपके पास। अगर आप एमबीए करते तो बिजनेस मैनेजमेंट का ज्ञान रहेगा, लेकिन इसके अंदर सर्वत्र ज्ञान है। समझ में आएगी नहीं? तो वैसे ही ईआरपी है, इसके अंतर्गत भी सर्वत्र ज्ञान है। मल्टी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर होता है जो इंटीग्रेट करता है ऑल बिजनेस प्रोसेस को, जो इंटीग्रेट करता है ऑल बिजनेस प्रोसेस को इनटू अ सिंगल सॉफ्टवेयर, इनटू अ सिंगल सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया दोस्तों? इसके हर एक मॉड्यूल क्या कहते हैं? कलेक्ट प्रोसेस स्टोर। क्या कहते हैं दोस्तों? कलेक्ट प्रोसेस स्टोर। समझ में आ गया दोस्तों? और सबसे अच्छी बात यह, इट इज बेस्ड ऑन अ कॉमन डेटाबेस। इट इज बेस्ड ऑन वन दोस्तों, कॉमन डेटाबेस। और कॉमन डेटाबेस की वजह से क्या होता है? ईच डिपार्टमेंट कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम बेसिस। मैं स्टोर भी कर सकता हूं और रिट्रीव भी कर सकता हूं, और ईच डिपार्टमेंट कर सकते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट वहां पर जाएंगे, अपने डेटा को रखेंगे और वहां से डेटा को रिट्रीव करना है तो रिट्रीव भी कर लेंगे। एग्जाम्पल के नाम पर मैं सेल पे निकला हूं मार्केटिंग करने के लिए, आज मैं आया हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैन जनरल स्टोर पे आया हूं, मेरे को माल लिखना है, ठीक है। अब मैंने वहां से ऑर्डर लेता गया। अब होगा क्या, अगर ये ऑर्डर लेकर के आज मैं अब निकला हूं तो एक दुकान के लिए थोड़ी ना निकला हूं, मैं तो पूरा शहर पूरा प्रदेश कवर करके एक डेढ़ महीने के बाद वापस पहुंचूंगा अपनी फैक्ट्री, और एक महीने के बाद मैं पहुंचूंगा। तब तक जिसके पास पहली दुकान में गया था तो ऑब्वियसली बात है वो बोलेगा एक महीना हो गया क्या माल लिखवाए, भेजते नहीं। अच्छा वहां गया तो पता चला स्टोर में स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक बनने में पता चला और 15 दिन चलेगा, पहुंचने में और 15 दिन चलेगा। 2 महीने बाद अगर आदमी अपनी दुकान में माल मंगाएगा, ग्राहक डिसग्रंटल्ड होंगे तो वो मुझसे डिसग्रंटल्ड हो जाएगा और मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। इसके बदले भाई क्या होता, आज उसने मुझे दिया, मैंने उठाया आईपैड, फटाफट मैंने क्या किया, ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर देख भी लिया। कुछ कुछ जगहों पर मैंने बोला, देखो सेठ जी ये वाला माल अभी है नहीं हमारे पास, कम से कम 15 दिन लगेंगे। सर ये वाला माल नहीं है, इस माल में आने में तो 2 महीना लग जाएगा, चाइना से आता था, अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, 2 महीने से ऊपर लग जाएंगे। पहले ही अपन ने बता दिया, बाकी माल के लिए ओके किया, यहां से सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया तो कहां चला गया? सेंट्रल स्टोर पर चला गया, डेटाबेस पर चला गया। वहां से कौन ने रिट्रीव कर लिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, इन चीजों का आया। स्टोर डिपार्टमेंट ने रिट्रीव कर लिया, ये चीजें चाहिए, जिन जिन चीजों की कमी है प्रोडक्शन वालों को बता दिया, लॉजिस्टिक वालों को बुलाया, पैक कराया। अरे मैं अपने वापस से फैक्ट्री में पहुंचू इससे पहले तो सारे माल निकल चुके होते और उनके पैसे भी आ चुके होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट दोस्तों, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है दोस्तों? पक्का आइए दोस्तों, अगर अपन बात करें क्या कहना दोस्तों एडवांटेजेस की, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ व्हाट दोस्तों, ईआरपी। ईआरपी के कितने सारे एडवांटेजेस है, 6 मार्क्स का आएगा, 6 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। मैं यहां पे सारे पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा, लेकिन कोशिश करिएगा 6 पॉइंट्स कम से कम आपको याद रहे, ठीक है। ईआरपी की अगर अपन बात करें तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, तो रिसोर्स वर्ड पहले आ गया, तो भाई इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंप्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। 4 पॉइंट किसके हो गए? इंप्रूव। पहला तो इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंप्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। अब आओ बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर आओ रिड्यूस में बेटा, रिड्यूस लीड टाइम, रिड्यूस साइकिल टाइम, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट।
रिड्यूस क्वालिटी नहीं, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट। तो तुम देख रहे, तीन हो गए, चार हो गए अपने इंप्रूव के, दो हो गए अपने बेटर के, दो हो गए, तीन हो गए अपने रिड्यूस के। चार और तीन, सात और दो, नौ। नौ पॉइंट तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, बाकी सब इधर उधर का भी आप डाल सकते हो। जैसे यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिमाग रख लेंगे आप, ऑन टाइम शिपमेंट हो जाता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट हो जाती है, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। देखने को तो सारे पॉइंट याद हो सकते हैं आपको, अगर थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो याद करने लायक हो। मेरा अभी का एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि तुमको क्या याद हो जाए, इसके एडवांटेजेस। जैसे अब मैं अगर एडवांटेजेस को रिकॉल करूं तो मुझे ये याद है कि भाई चार क्या है, इंप्रूव है, उसमें रिसोर्स को तो मैंने उठा लिया, तो इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फिर इंप्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, उससे होती है इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, और क्या हो जाती है, इंप्रूवमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में, इंक्रीज है, इंप्रूव कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चार इंप्रूव हो गए, दो बेटर है, बेटर क्या है दोस्तों, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटर हमारी एनालिसिस एंड प्लानिंग। फिर हमारे तीन क्या है, रिड्यूस, रिड्यूस लीड टाइम, रिड्यूस साइकिल टाइम, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट। ऑन टाइम शिपमेंट हो जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो जाती है। मेरे को तो पूरा याद हो गया, समझ में आया कि नहीं। सर इस साइकिल टाइम और लीड टाइम का मतलब बता देते। बेटा लीड टाइम मतलब कि आपने जो प्लेस किया है ऑर्डर और जो रिसीव हुआ ऑर्डर, उसका जो डिफरेंस होता है ना, उसे अपन बोलते हैं क्या, लीड टाइम। समझो आज क्या है, मुझे परचेजिंग करनी है, ध्यान से समझो, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूं, मुझे आज रॉ मटेरियल परचेज करनी है। अब रॉ मटेरियल के अपन को क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करने पर और रिसीव करने के बीच का एक क्या होता है, टाइम होता है। आज सोचो मेरा एकदम से क्या हुआ, समझो कि माल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल खत्म, लेबर आके बाहर खड़े, सर रॉ मटेरियल लेने क्या करें। मैं कहा चलो मंगवाते हैं, मैंने वहां ऑर्डर किया, वहां उसको ऑर्डर करूंगा, वो पैक करेगा, मुझे भेजेगा, छह दिन लगते हैं पहुंचने में। अब छह दिन तक के लेबर क्या कर रहे हैं, रोज आकर के बस फ्री बैठे हुए, लेकिन फ्री की क्या ले रहे हैं, मुझसे सैलरी ले रहे हैं, पगार ले रहे हैं। इससे अच्छा काश ऐसा हो जाता कि मैं छह दिन पहले ही क्या डाल देता, ऑर्डर डाल देता, तो आज क्या हो जाता, माल जैसे ही खत्म होता तब तक नया माल पहुंच जाता। लेकिन साहब मैं इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज कुछ और थी उस समय पर, मैं ह्यूमन बीइंग हूं ना, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे घर पे फंक्शन चल रहे थे, मेरा और कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, तो आज इसके चक्कर में मेरी धंधे की वाट लग रही ना। लेकिन ईआरपी ये होने नहीं देता, ईआरपी पहले ही समझ जाता है कि अच्छा यहां पर ये प्रॉब्लम आ गई है, तो तुरंत अपने आप ही ऑर्डर क्या करेगा, जनरेट कर देगा, आपको बस ओके का बटन दबाना है, वहां पे ऑर्डर जनरेट होकर के अपने आप ही क्या करेगा दोस्तों, पहुंच जाएगा। दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम मतलब जो ऑर्डर रिसीव होता है और जो ऑर्डर हमारा प्लेस होता है कस्टमर को, आज मुझे ऑर्डर मिलता है ना और मैं प्लेस करता हूं, आज अगर इसके बीच में अगर टाइम रिड्यूस हो जाए, क्या कस्टमर खुश हो जाता है? यस। अमेज़न को देखना बेटा, अमेज़न 15 तारीख लिखता है लेकिन भेज देता 13 तारीख को ही। अरे कितनी खुशी हो जाती है, दो दिन पहले ही मिल गया अपन ने जिस चीज के लिए 15 तारीख का सोचा हुआ था, ऑब्वियस ही बात है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है दोस्तों, ये इनका भी तो ईआरपी यूज कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस बिटवीन द रिसीविंग ऑर्डर एंड व्हाट दोस्तों प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर, इनके बीच का टाइम भी क्या हो जाता है दोस्तों, रिड्यूस हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों, पक्का? अब अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ समय पहले अमेंडमेंट आया था इस पार्ट में, दैट इज अबाउट व्हाट दोस्तों, दैट इज अबाउट द रिस्क एंड कंट्रोल। लेकिन रिस्क एंड कंट्रोल के पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं बात करना चाहूंगा फीचर्स ऑफ ईआरपी सिस्टम के, ईआरपी सिस्टम के एक अच्छे ईआरपी सिस्टम के क्या फीचर है। पहला फीचर यह है दोस्तों, ऑल टाइप्स ऑफ द नीड्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो उसको कैटर करता है, राइट डेटा देगा एट अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू द राइट यूजर, फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए टू अडेप्ट टू द चेंजेस, सिंगल डेटाबेस होता है जहां पे सारे डेटा को स्टोर किया जाता है। वेरी गुड दोस्तों, अब हम बात करेंगे मॉड्यूल्स को लेकर के, ईआरपी में क्या क्या मॉड्यूल्स है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, सप्लाई चेन है, प्रोजेक्ट है और सीआरएम एंड डेटा वेयरहाउस। तो ये सब कुछ मॉड्यूल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों रिस्क एंड कंट्रोल्स इन ईआरपी दोस्तों, आखिर ईआरपी में किन किन प्रकार के रिस्क जो है दोस्तों वो मौजूद है। ईआरपी के अंतर्गत जो रिस्क है दोस्तों, वो रिस्क बेसिकली कुल मिलाकर के पांच जगहों पर है। कितनी जगहों पर है दोस्तों? पांच जगहों पर है। एक है पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क। क्या है बताइए दोस्तों? पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। बोलो दोस्तों, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। अब आइए दोस्तों, आखिर पीपल रिलेटेड क्या इश्यू हो जाता है? पीपल रिलेटेड पहला इश्यू, चलो स्टार्ट करें।
बस अभी चलिए दोस्तों, अपन ने बात किया किसकी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। आइए बात करेंगे इसकी दोस्तों, पीपल रिस्क की। पीपल के अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों, तो पीपल के अंतर्गत कुल मिलाकर के पांच है, याद रखेंगे, चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, स्टाफ टर्नओवर, टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंट। क्या क्या है, चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, स्टाफ टर्नओवर, टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंट। चेंज मैनेजमेंट मतलब क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों, चेंजेस आएंगे किसमें, प्रोफाइल में। अब ईआरपी आ जाएगा, सब ऑटोमेट हो जाएंगे, सबकी प्रोफाइल्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो फालतू लोग होंगे उनको क्या कर देंगे, अपन भगा देंगे। और साथ ही साथ जो अब धंधा नहीं बदला मित्रों, धंधा करने का तरीका बदला, तो अब ये रिस्क है ना कि लोगों को ये प्रॉब्लम जाएगी, तो फिर उसके लिए क्या है, यहां पर अपन को देना पड़ेगा उसकी रिस्क का कंट्रोल। भाई पहली चीज, चेंज इन जॉब मैनेजमेंट, चेंज इन जॉब हो जाएगी, नई प्रोफाइल्स आएंगी, तो ठीक है, लोगों को अपन क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, नया नया फंक्शन है, नए नए स्टेप्स है, भूल जाएंगे, प्रॉपरली क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। समझ में आया कि नहीं। और ऑब्वियसली बात है उसके कारण, हम अगर चेंजिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज अनदर प्रॉब्लम, मतलब प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो जब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए वो उसके अंतर्गत अपन क्या लगा लेंगे, कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो पहला क्या है, चेंज मैनेजमेंट, दूसरा क्या है, ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो होता क्या है कि ट्रेनिंग को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम ये जाती है कि जब ईआरपी बनता रहता है फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या नहीं देते, ट्रेनिंग नहीं देते, क्योंकि ट्रेनिंग टेक्स सम कॉस्ट, सरकारी की कॉस्ट, एक कॉस्ट आती है जो सिखाने आएगा उसकी कॉस्ट, दूसरा जब ट्रेनिंग होती रहेगी ना तो उस दौरान पे काम कुछ नहीं होगा, तो एम्प्लॉय बैठ के ट्रेनिंग करते रहेंगे, खाते रहेंगे, यहाँ पे सेमिनार अटेंड करते रहेंगे, तो ये भी हमें दिक्कत जाती है, इससे अच्छा तो हम बोलेंगे गिर पड़ के सीख ले भाई। तो इसकी वजह से क्या रिस्क होगा कि ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो बहुत सारे एरर्स होंगे। इसका भाई ये है कंट्रोल कि भाई आपको टाइम भी देना पड़ेगा और थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट पहले से निकाल के रखिए, क्योंकि ट्रेनिंग में थोड़ा खर्चा लगता ही लगता है। तो चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, फिर क्या, स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर क्या हो जाता है दोस्तों, होता है इंप्लीमेंटेशन और ट्रांजिशन फेज में कई लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाते प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, जैसे कि भाई समझ नहीं आ रहा यार इन लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या इशू है इन लोग का। अब इसके कारण जो अच्छे-अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं ना वो छोड़ना चालू कर देते हैं, यार यहां पे तो हर दिन कोई नई पंचायत हो रही है, तो ऐसे केस में स्टाफ टर्नओवर बढ़ जाता है। तो अपन को स्टाफ टर्नओवर रोकने के लिए उनको अपन को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, कंपनसेशन उन्हें अच्छा पे करना पड़ेगा, और ऐसे स्किल सेट्स को अगर अपन अपने पास रिटेन रखेंगे तो ही ये प्रॉब्लम का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, अगर आपको ईआरपी चालू करना है, बनवाना, तो टॉप मैनेजमेंट का फुल ऑन सपोर्ट होना चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, ईआरपी बनाना चालू मत करो, क्योंकि एट लास्ट फंड कौन देगा, टॉप मैनेजमेंट। आधे में रोक दिया तो तुम आधे ईआरपी ले जाओगे, आधे मैनुअल जीवन में कुछ रह नहीं जाएगा, अरे आया कि नहीं आया। और लास्ट हो जाता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आपका ऐसा होना चाहिए दोस्तों, मतलब कंसल्टेंट एक बीच में होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी बिजनेस की प्रॉब्लम है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डायरेक्टली बताऊंगा, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो मेरे बीच में क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस ऑफिसर होना चाहिए, जिसको मैं अपनी बातें बताऊं और वो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अंदर तक के क्या करें, घुस के बताएं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने धंधा नहीं देखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने साइंस देखा है, धंधा मैं जानता हूं, वो ऑफिसर धंधा जानता है, इसीलिए सीए को जनरली लाइसेंस ऑफिसर बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वो धंधा भी पहचानता है और ये कंप्यूटर पढ़ने की वजह से थोड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी नॉलेज हो जाता है, तो वो बीच का लाइसेंस ऑफिसर बनने के लिए बेस्ट है। जैसे मेरे एक भैया थे, ठीक है, जो सीए हैं, ऑल इंडिया रैंकर भी हैं, 27th AIR आया मुंबई में, यस बैंक में वो काम कर रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, वो जो जो बैंक छोड़ते उसके शेयर गिर जाते हैं, पहले ICICI में थे वो छोड़ा शेयर गिर गया, यस बैंक में थे वो भी छोड़ा, अभी कोई दूसरे बैंक में, तो यस बैंक में वो यही काम करते थे, वो लाइसेंस ऑफिसर का काम था। यस बैंक जब नया सॉफ्टवेयर बना रहा था तो भैया वॉज द लाइसेंस मैनेजर, वो क्या करते थे, वो समझते थे बिजनेस का पूरा कंसेप्ट, और वो बैठते थे डेटा मैनेजमेंट टीम के साथ और वो उसे पूरा डायरेक्ट करते थे। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का। चलिए नेक्स्ट कौन सा इशू है बताइए दोस्तों, प्रोसेस इशू। कौन सा इशू है दोस्तों बताइए, प्रोसेस इशू। भाई ये प्रोसेस इशू क्या होता है, प्रोसेस इशू के अंतर्गत बेसिकली दो बातें होती है, एक होता है प्रोग्राम मैनेजमेंट और एक होता है BPR। ओके, व्हाट इज प्रोग्राम मैनेजमेंट दोस्तों, प्रोग्राम मैनेजमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज होती है दोस्तों ईआरपी की, जैसे मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, प्लानिंग, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैप आ सकती ये डे टू डे प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटी में, तो इसीलिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे ठीक करना पड़ेगा, आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो ईआरपी सॉल्व करवा पाए, तो ये इंफॉर्मेशन का गैप्स ना रहे, ये चीज आपको वहां पर देखनी
पड़ेगी। दूसरी बात हो जाती है बीपीआर, दैट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। यहां पे सिर्फ छोटा सा चेंज नहीं आना है, यहां पे बड़ा चेंज आना है, यहां पे फंडामेंटल एंड ड्रामेटिक चेंज आना है। तो इसके लिए आपको पूरा अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके एंटरप्राइज कुछ अलग ही दुनिया में चले आएगी। अलग स्किल सेट के लोग चाहिए होंगे, अलग तरीके का आपका काम होगा। पहले आपका काम सारा हाथ से होता था, अब सारा काम किससे होगा? कंप्यूटर से होगा। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नोलॉजी इशू। टेक्नोलॉजी इशू की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो पहला इशू आ जाता है सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, ऑब्सोलेंस, एनहांसमेंट एंड अपग्रेड, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो। कितनी चीजें दोस्तों? चार। पहला क्या है? सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी ये हो जाता है कि अब जो ये हो जाता है हमारा क्या, ईआरपी, क्या वो छोटा सा सॉफ्टवेयर कि बड़ा है? बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। इतना बड़ा कि उसका बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज भी कितने का आता है? 5 करोड़ का। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आज अगर अपन बात करें तो इतना बड़ा वो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जमाने भर की फंक्शनैलिटी होती है। अब जमाने भर की फंक्शनैलिटी होती है तो ओवर फंक्शनैलिटी कैन ऑल्सो बी डिजास्ट्रस। जो काम का वही हो तो ज्यादा अच्छा है ना, फालतू की चीजें और ज्यादा होती है तो वो और ज्यादा क्या करती है? डिजास्ट्रस हो सकती है। तो इसीलिए जब ईआरपी को डेवलप कराओ तो वही चीजें काम की रखो, जो वही चीजों को डलवाओ जो हमारे काम की है, जो काम की नहीं है उसे डलवाने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस। आज जो चीज है दोस्तों कल वो चीज पुरानी हो जानी है। समझ में आ गया? आज जो आपको बहुत नया नया लग रहा है कल वो पक्का है बहुत पुराना पुराना लगने लग जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब इन्वेस्ट करें तो बहुत सोच समझ करके करें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को गिरवी रख करके बहुत पैसा लेकर के ईआरपी लगा दिया और ईआरपी जब आज से 2, 4, 5, 6 साल के बाद क्या हुआ, ऑब्सोलीट हुआ, तो तुम्हारे पास नया ईआरपी के लिए क्या ना हो, पैसा ही ना हो। समझ में आ गया दोस्तों। तीसरा है अपग्रेड्स। अपग्रेड टाइम टू टाइम कराना होगा। बिजनेस का एनवायरनमेंट बदल रहा है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही है, उस हिसाब से आपका ईआरपी भी बदलेगा। तो ईआरपी अपग्रेड होते हैं, ठीक है, आपके जो भी डेवलपर्स हैं टाइम टू टाइम आपको पैचेस देंगे जो आपको अपग्रेड करना होगा। अब आपका ये काम है कि आप उसे अपडेट जरूर करें। आज व्हाट्सएप है, आज इंस्टाग्राम है, क्या वो अपडेट के लिए बोलता है? हाँ, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं तो नहीं करना अपन को अपडेट, स्लो हो जाएगा। तो ये सोच के अपन क्या नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, लेकिन अपन उसके बहुत सारे फीचर से क्या हो जाते हैं फिर दोस्तों, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। समझ में आ गया। एंड लास्ट थिंग इज एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं बोला गया दोस्तों आपको कि भाई आप क्या करें दोस्तों यहां पर, कि आप कोशिश ये करें कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पे कम से कम हो। ईआरपी है ही तो इसीलिए कि ज्यादा सॉफ्टवेयर ना हो। कितने सॉफ्टवेयर हो? एक ही सॉफ्टवेयर हो। तो यहां पर आपको ऐसा बिजनेस एप्लीकेशन लेना है जिसमें आपके सारे एप्लीकेशंस का क्या हो जाए दोस्तों, सोल्यूशन वहीं पर ही मिल जाए। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, कितने हो गए बताइए दोस्तों? 3 ऐसे हैं। कितने? 5। पहला कौन सा? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। पीपल में कितने हैं बताइए? 5। चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट, स्टाफ टर्नओवर, कंसल्टेंट। ओके, प्रोसेस में थे 2 ही, प्रोग्राम मैनेजमेंट और बीपीआर। टेक्नोलॉजी में थे दोस्तों 4, सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी, उसका फिर ऑब्सोलीट, उसका अपग्रेड और उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब आते हैं इंप्लीमेंटेशन में। बहुत इजी है इंप्लीमेंटेशन दोस्तों। इंप्लीमेंटेशन में पहली चीज लेंथी इंप्लीमेंटेशन टाइम होता है, इनसफिशिएंट फंडिंग, डेटा की सेफ्टी, स्पीड, सिस्टम फेलियर, डेटा एक्सेस, ये कुल मिलाकर के बातें बहुत कॉमन है दोस्तों। जैसे पहला आप भी जानते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में इसमें बहुत समय लगेगा, तो लेंथी इंप्लीमेंटेशन टाइम लगता है यहाँ पे, 1 से 5 साल 6 साल का आप इंप्लीमेंटेशन मान करके चलिए कि लगेगा ही लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम, एक आपका एंथुजियाज्म बना के चलना है कि कोई बात नहीं है, तो सब्र का फल मीठा होगा, ईआरपी होगा। समझ में आया? नेक्स्ट है दोस्तों, दैट इज नोन एज इनसफिशिएंट फंडिंग। भाई ऑब्वियसली बात है, हमारे पास फंडिंग बीच में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इसका कंट्रोल क्या है? फंडिंग मैनेज करके रखो, जब तक पैसा ना आए तब तक ईआरपी चालू करने की जरूरत नहीं है। डेटा की सेफ्टी, अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ईआरपी में जब यूज होगा तो डेटा कितना होता है बताइए? ईआरपी में एक ही होता है। अरे होता तो बहुत है, लेकिन डेटाबेस कितना होता है? एक ही होता है। तो अगर वही डेटाबेस गया मतलब सब कुछ गया, तो आपका कंट्रोल क्या क्या लेना है? बैकअप्स लेते रहना है। सिस्टम फेलियर दोस्तों, एक ही सिंगल सिस्टम है वो गया मतलब तुम्हारी पूरी एंटिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपके पास बैकअप का हो, रहे डेटा का, क्योंकि सिस्टम के फेलियर को तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि सिस्टम तो कैसे भी फेल हो सकता है। तो इसीलिए बैकअप रहेगा तो कम से कम तुम दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हो, अपने आप को रिस्टोर करके स्टार्ट कर सकते हो। डेटा का एक्सेस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि सेंट्रली स्टोर डेटा है और सारे लोग एक ही डेटा के साथ जुड़े हैं, तो फिर प्रोडक्शन वाला उंगली करने को एचआर वाले का देखता रहेगा, एचआर वाला उंगली करने को खामगा लॉजिस्टिक वाले का देखता रहेगा, और दूसरे का डेटा देखने में अपना टाइम पास करेंगे। समझ में आ गया?
तो आपका कंट्रोल ये है कि आपको नीड टू नो बेसिस पर करना है। किसमें? नीड टू नो। अगर तुम्हारा काम होगा तो ही तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इशू के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर आ जाता है सिर्फ एक ही चीज, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं नए मॉड्यूल्स आएंगे, नए वर्जन आएंगे, नए प्रोग्राम्स आएंगे, आपको उसे लाइफ लॉन्ग क्या करते रहना है, उसको आपको अपग्रेड करते रहना है, पैचेस को डाउनलोड करते रहना है। समझ में आ गया? पक्का? चलो, जब आप ईआरपी का ऑडिट करोगे तो आपको कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स का ध्यान रखना है। 8 नंबर के लिए 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला पॉइंट यही रखना है आपको ध्यान में कि भाई पहला ये देखेंगे अपन कि जो ईआरपी में जो सिस्टम प्रोसेस हो रहा है वो गैप और गैस के हिसाब से कि नहीं। व्हाट इज गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और गैस मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नीड फॉर रिपोर्टिंग वेदर रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल, तो डज इट मीट द नीड ऑफ रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्ट उससे निकलती है कि नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें वेयर एडिक्वेट यूजर रिक्वायरमेंट डेवलप थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन, जब ये बनाया गया तो क्या फिर सबको सबकी बातों को इनपुट करते हुए ही बनाया गया कि नहीं, क्या ये डेटा की इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर पाता है कि नहीं, क्या कंट्रोल है कि नहीं ताकि वो ऑथेंटिक वैलिड और एक्यूरेट ट्रांजेक्शन को ही क्या करे, प्रोसेस करे, क्या सिस्टम के रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड है कि नहीं अनऑथराइज यूजर्स से, क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, इज द फंक्शनैलिटी एक्सेप्टेबल है कि नहीं, यूजर रिक्वायरमेंट मेट है कि नहीं, यूजर हैप्पी है कि नहीं है, क्या वहां पर मैनुअल स्टेप्स वगैरह भी दिए गए हैं कि नहीं, ऑडिट ट्रेल्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ यूजर एक्टिविटी होती है कि नहीं, यूजर ट्रेंड है कि नहीं है, और उनके पास कंप्लीट एंड करेंट डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। तो ये सब चीजें आपको ऑडिट करते समय देखनी पड़ती है। समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे तरीके से। चलिए, तो यहां पर अपन ने ईआरपी के बारे में देख लिया, उसके रिस्क और कंट्रोल अपन ने ये भी देख लिया कि ईआरपी के अंतर्गत बेसिकली क्या क्या अपन को ऑडिट करते समय चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी डाउट दोस्तों इसमें? पक्का? अच्छे से। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों ईआरपी के अंतर्गत ही, तो ईआरपी के अंतर्गत अब बेसिकली इतनी ही खास बातें थी। ठीक है, नोट्स में अगर आप जाएंगे तो नोट्स में आपको बस एग्जांपल्स और कुछ बेसिक बातें आपको और देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी मेन चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड और रिविजन ओरिएंटेड में बात करूं तो यही बेसिक बातें हैं ईआरपी की। क्या आपको बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, दैट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स पर। चलिए दोस्तों, उसके पहले लेंगे एक 1 मिनट का शॉर्ट पानी पीने वाला ब्रेक। भाई स्टार्ट करें। चलो, कहां चला गया ये? आजा आजा, ओके आ गया। चलिए दोस्तों, चलिए भाई क्या बात है, आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। क्या? बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल एंड द इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अब बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल का आपको फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के साथ क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज तो अपन ये समझेंगे बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल आखिर कौन कौन से हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, सीआरएम हो गया, एचआर हो गया, ये सारे हमारे बिजनेस प्रोसेस के क्या होंगे? मॉड्यूल्स होंगे। इनके बारे में हमें समझना होगा। अभी बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल को अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसके साथ? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के साथ। तो उस केस में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज ये है दोस्तों कि भाई पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा टास्क है जो कि आपको क्या करना है दोस्तों, उसे डिफाइन करना होगा। द फर्स्ट टास्क इज टू डिफाइन इट। तो पहले आपको डिफाइन करना होगा। एक बार अगर डिफाइन हो गया दोस्तों, उसके बाद अपन उसे क्या करेंगे? मैप्ड, इंप्लीमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजर कैन बी एस्टैब्लिश्ड, और लास्ट में फिर उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ओके, अब पहली बात करते हैं किसकी दोस्तों? अकाउंटिंग साइकिल कैसी होती है दोस्तों? तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसमें से जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फिर क्लोजिंग एंट्रीज, और क्लोजिंग एंट्री से क्या बनता है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया? अब जो बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल है ईआरपी में वो कौन कौन से होते हैं? वो ये सारे हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ने वाले कौन सा? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल की अगर अपन बात करें तो इस मॉड्यूल के अंतर्गत क्या क्या होगा,
ठीक है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंतर्गत क्या क्या होगा। तो सबसे पहली चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको याद आना चाहिए एसेट लाइबिलिटी इनकम और एक्सपेंस। तो सबसे पहली चीज अपन देख लो एसेट के बारे में, भाई एसेट की अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल। फिर थोड़ा लाइबिलिटी के बारे में बात करें तो अकाउंट पेबल, समझ में आ गया। फिर थोड़ी सी अब बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, टैक्स कॉन्फिगरेशन एंड क्रिएशन इंटीग्रेशन उसका किसके, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट के साथ। तो जो की फीचर हैं किसके दोस्तों, आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के क्या क्या की फीचर है। तो एसेट अकाउंटिंग है, एसेट रिसीवेबल है, एसेट पेबल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग है, जनरल लेजर अकाउंटिंग है, टैक्स कॉन्फिग्रेशन है, इंटीग्रेशन विद सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजरियल मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ट्रैकिंग ऑफ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ये बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आ गया। चले इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कंट्रोलिंग मॉड्यूल की, कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, कॉस्ट की। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, इंटरनल ऑर्डर, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। तो सबसे पहले है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग मतलब आखिर कहां कहां पर हमारी कॉस्ट होती है, ठीक है, कॉस्ट कहां कहां लगती है पहले तो आपको देखना होगा। फिर है हमारी क्या है दोस्तों, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग मतलब कि भाई कहां कहां पर कॉस्ट है, जैसे मार्केटिंग में लगती है, परचेजिंग में लगती है, ह्यूमन रिसोर्स में लगती है, उसके अलावा अगर हम बात करें लीगल में लगती है, शिपिंग में लगती है, तो वहां पे खर्चे कहां कहां होते हैं वो जाते हैं कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। खर्चे किस प्रकार के होते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। फिर हो जाती है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी होती है, इंटरनल ऑर्डर्स दोस्तों, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्डर जो जाते हैं, जो अंदर ही अंदर दिए जाते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का फिनिश गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट का क्या बन सकता है बताइए, रॉ मटेरियल बन सकता है। तो ये हो जाते हैं हमारी कौन सी, इंटरनल ऑर्डर। फिर हमारी आ जाती है प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट कैसे बनती है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोलिंग। उसके बाद फिर उसी से क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एंड लास्ट हो जाता है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। ओके, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले प्री सेल एक्टिविटी होती है, फिर सेल का ऑर्डर होता है, फिर इन्वेंटरी सोर्सिंग की जाती है, फिर गुड्स की डिलीवरी होती है, बिलिंग होती है, और फिर क्या होता है, पेमेंट होता है। तो प्री सेल एक्टिविटी हुई जैसे कि मार्केटिंग वगैरह, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, गुड्स को बनाया, बना करके प्रोसेस किया, प्रोसेस करके अपन ने भेज दिया, भेजा तो क्या हो गई डिलीवरी, डिलीवरी के बाद अपन देंगे बिलिंग, बिलिंग के बाद क्या होगी पेमेंट, समझ में आ गया। अब इसके की फीचर्स में क्या है, सबसे पहली चीज है तो अपन को देखना पड़ता है कि भाई यहां पर सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जैसे कि कहां कहां से हमें सेल के ऑर्डर आते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है मैं हूं क्या, डोमिनोस, समझ में आ गया, डोमिनोस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर मैं हूं अगर मान लीजिए, तो आज इंडिया भर में अगर मान लीजिए 400 आउटलेट है, तो सिर्फ यही 400 आउटलेट है ना जो मुझे क्या देंगे, ऑर्डर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, वहां से ऑर्डर आएगा, तो भाई मुझे इन 400 आउटलेट्स का नाम अपने यहां पे डालना होगा, एड्रेस अपने यहां पे डालना होगा, इनको अलग से यूनिक कोड देना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक नाहटा डोमिनोज है, फॉर एग्जांपल, तो नाहटा डोमिनोज जो है वो मान लीजिए भाई रायपुर सिटी में भी हो सकता है, नाहटा डोमिनोज फॉर एग्जांपल जबलपुर सिटी में भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है तो वो उसका एक रायपुर का अलग कोड होना चाहिए, और फॉर एग्जाम्पल जबलपुर का या रायपुर का अलग, मतलब दोनों सिटीज का अलग अलग कोड होगा, ताकि ऑर्डर कहां से है ये पहचान ले, भाई जबलपुर से नाहटा डोमिनोज ने ऑर्डर किया, पता चला रायपुर डोमिनोज को माल भेज दिया, तो जबलपुर डोमिनोज वाला बैठे ही रह जाएगा ना, बोलेगा भैया यहां पर क्या आ रहा है, अब यहां पर लोग आ रहे डिमांड कर रहे हैं, हमें बोलना पड़ रहा है हमारे पास क्या नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, लोग गाली बक के जा रहे, इतनी बड़ी कंपनी चला है तुम्हारे पास रॉ मटेरियल नहीं रखा, अरे यस और नो, तो ऑब्वियस ही बात है ना। तो यहां पे इसीलिए पूरा कोडिंग वोडिंग सारी को चीजों का सेटअप किया जाता है। फिर असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, तो इनको भाई यूनिट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, कंपनी कोड टू कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि होता क्या है, आज मान लीजिए जबलपुर जाएगा तो हो सकता है कि माल किससे आएगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रक से, मान लीजिए मुंबई जाएगा तो माल किससे हो जाएगा, ट्रक से, लेकिन नागपुर जाएगा फॉर एग्जांपल रायपुर जाएगा, देहरादून जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने फ्लाइट्स बना के रखी है, क्योंकि वो यहां से क्या होता है काफी दूर पड़ता है, तो फ्लाइट में भेजेंगे, वरना रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, पक्का। नेक्स्ट, डिफाइनिंग प्राइसिंग कॉम्पोनेंट, सब जगह के कॉम्पोनेंट क्या होंगे, प्राइसिंग अलग अलग हो सकती है, ये भी हो सकता है, आज अगर मान लीजिए हम पर्टिकुलरली ऐसा होता ही है, ठीक है, हम एक जगह पर ज्यादा चार्ज करते हैं, एक जगह पर
कम चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो आज जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है, जैसे कि अगर हमें फ्रेंचाइजीज देना था, ठीक है, तो फ्रेंचाइजीज अगर मान लीजिए अभी तो चलो पेन ड्राइव का जमाना आ गया, नहीं तो हम एक जमाना वो भी हमने प्लान किया था कि हम लाइव यहाँ पे पढ़ाएंगे, बच्चा अपने घर पे नहीं पढ़ेगा, एक फ्रेंचाइजी में जाएगा, एक नाहटा क्लासेस होगा वहां पे, जहां पे प्रोजेक्टर पे क्लास लगी होगी वहां पे बैठ के वो देखेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अब वहां पर मेरी प्राइसिंग क्या सिटी टू सिटी अलग होती? आज नागपुर होता वहां पे पेइंग कैपेसिटी हैवी है, वहां पे सीए इंटर की फीस 1.25 लाख के आसपास है, समझ में आ रहा है, बोथ ग्रुप, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर प्राइसिंग क्या होती? हाई होती। इसी के बदले अगर आप कोई एक्स सिटी में जाओ, फॉर एग्जांपल आप गए कटनी में, अब कटनी के अंतर्गत प्राइसिंग क्या है, दोनों ही ग्रुप का 45,000 है, तो आप मुझे बताइए वहां पर प्राइसिंग लो होगी। तो भाई अगर नागपुर में मैं करूंगा तो उधर की प्राइसिंग अलग, यहाँ पे करूंगा तो उसकी प्राइसिंग अलग। तो डिफाइनिंग प्राइसिंग कॉम्पोनेंट, फिर सेटिंग अप अ सेल टाइप, बिलिंग टाइप, टैक्स रिलेटेड कॉम्पोनेंट, क्योंकि भाई जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी सारे अलग अलग होंगे, एंड सेटिंग अप कस्टमर मास्टर डेटा एंड कॉन्फिग्रेशन। तो की फीचर्स क्या है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बताएं, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, डिफाइनिंग प्राइसिंग, सेटिंग अप सेल डॉक्यूमेंट टाइप एंड टैक्स रिलेटेड, और कस्टमर मास्टर डेटा रिकॉर्ड। फिर इनकी प्रोसेस है प्री सेल एक्टिविटी, सेल ऑर्डर, इन्वेंट्री सोर्सिंग, इन्वेंट्री डिलीवरी, बिलिंग, रिसीट फ्रॉम कस्टमर। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत यहां पर हमारे पास कोई भी प्रकार का ऐसा कोई प्रोसेस भी नहीं दिया, ना ही कुछ उन्होंने बात किया, बस एक राइट शॉर्ट नोट टाइप का इन्होंने दिया, प्लस ऑब्जेक्टिव दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर मैनेजमेंट क्या है, टू एंश्योर लीस्ट टू लीस्ट डिस्प्यूट हो, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हो, स्टेटस एंड ट्रैक ऑफ एम्प्लॉइज एफिशिएंसी पता रहे कौन कितने समय पर कितना काम करके दे रहा है, एंड कीप ट्रैक ऑफ लीव रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो मेन ये काम है, और यही काम कहां पर होता है, ईआरपी में, वो सब ट्रैक करके रखता है, अपने आप बता देता है ये एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी हाई है इनको प्रमोट करो, ये एम्प्लॉइज ऊपर है लेकिन अच्छे से काम नहीं करते इनको डिमोट करो, ये बहुत लीव पे रह रहा है इसको छुट्टी दे दो, ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा है बहुत लेट आता है इसको वार्निंग दे दो, ये सारी चीजें ईआरपी पे अपने आप ही आ जाती है। It contains skill database of all user with detail of qualification, training experiences, interest, etc. Allocating manpower to right activity at the time of need. जब आप जाएंगे ना दोस्तों बिग फोर में भी आर्टिकलशिप करने के लिए, तो बिग फोर में भी जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, लाइक आपका इंटरेस्ट ऑडिटिंग है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, ये पूछा जाता है, इंटरनल ऑडिट है। आप ऐसा ऑल ऑफ द अबव नहीं कर सकते, आपको एक या दो को क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है। जब एक या दो टिक करते हो ना आप, तो वो समझ जाते कि यार इसका इंटरेस्ट अगर टैक्स में है तो जितने भी टैक्स ऑडिट वाला कंसेप्ट होता है आपको उठा के टैक्स ऑडिट के डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। टैक्स ऑडिट अभी खत्म हो गया, सितंबर में सारे टैक्स पे हो गए, अब इसका इस आदमी का इंटरेस्ट या इस औरत का इंटरेस्ट कहां पे था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरनल ऑडिट में था, तो इंटरनल ऑडिट चालू हो गया, चलो इसको जाके करके इंटरनल ऑडिटिंग के लिए किसी होटल या जो भी इंडस्ट्री हमारे पास है उसमें डाल दो। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाता है। अब वहां पर इतने आर्टिकल रहते हैं, 200, 250, 300, 400 आर्टिकल रहते हैं, किसको क्या काम एलोकेट करना है वो क्या बताता है, उनका सॉफ्टवेयर बताता है। समझ में आया दोस्तों? पक्का। इट इंक्लूड वेरियस फंक्शन सच एज रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट एंड प्रमोशनल मैनेजमेंट। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का। चलिए फिर है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल मतलब यहां पर बातें हो रही है किसको लेकर के, कि हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें प्रोड्यूस करना होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, जहां पर बेसिकली क्या क्या कंसेप्ट होता है, पहले इशू ऑफ रॉ मटेरियल होता है स्टोर से, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं अपन WIP से, फिर कन्वर्ट होता है किसमें, फिनिश गुड्स में, और उसका ट्रांसफर कहां पर किया जाता है, गो डाउन में। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का। अच्छे से चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो अब इसके अंतर्गत बेसिकली आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, तो मास्टर डेटा, सेल एंड ऑपरेशन प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। तो यहां पर इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, पहले तो मास्टर डेटा हो गया, फिर सेल्स एंड ऑपरेशन की प्लानिंग देखनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग देखनी पड़ेगी, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। ओके, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल मतलब यहां पे कौन कितना मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसेस एंड प्रोड्यूस होता है एंटरप्राइज में उसको लेकर के। अब इसके लिए अगर मान लीजिए आपको मटेरियल मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए पहले पता चलना चाहिए कि भाई अपने मटेरियल जो है उसको स्टोर में कितना है और उससे अभी कितना प्रोडक्शन हो सकता है। अगर यह है कि प्रोडक्शन जो है अब बहुत ज्यादा नहीं चल सकता, मटेरियल उतना नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए ऑर्डर जनरेट करना पड़ता है। तो यहां पर इसी तरीके से होता है कि परचेज रिक्विजिशन आता है किससे, परचेज डिपार्टमेंट से, उसको इवैल्यूएट किया जाता है,
जाता है, फिर परचेस का मैनेजर जाता है, कोटेशन लेकर के आता है, कोटेशन को इवैल्यूएट किया जाता है, उसके दम पे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, फिर वो माल आता है, माल की चेकिंग की जाती है, वो प्रोडक्शन में दिया जाता है, उसके बाद परचेस इनवॉइस आता है और उसके बाद फिर पेमेंट किया जाता है किसको, वेंडर को। तो प्रोसेस आप देख सकते हैं, रिक्विजिशन फ्रॉम परचेस डिपार्टमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिशन, आस्किंग फॉर कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, परचेस ऑर्डर, मटेरियल रिसीव, इश्यू ऑफ मटेरियल, परचेस इनवॉइस, परचेस टू वेंडर। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ द क्वालिटी इन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के अंतर्गत जो है मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी उसको लेकर के यहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे क्वालिटी प्लानिंग का, क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी अश्योरेंस का, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का। क्वालिटी प्लानिंग मतलब यहाँ पर बेसिकली बातें की जाती है कि भाई हम कस्टमर्स को बेहतर तरीके से क्या दे पाए दोस्तों, ऑर्डर्स दे पाए और बेहतर तरीके का प्रोडक्ट बना के दे पाए, वो जाता है क्वालिटी प्लानिंग। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं कि भाई अच्छे तरीके से एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में ही प्रोडक्ट का क्या हो दोस्तों, तैयारी कराया जाए, ठीक है, ताकि हम कस्टमर्स को बेहतर प्रोडक्ट क्या करें दे पाए। फिर क्वालिटी का अश्योरेंस, उसके बाद क्वालिटी की क्या होती है दोस्तों, चेकिंग होती है, फिर क्वालिटी की चेकिंग में अगर कोई दिक्कत गई तो क्वालिटी को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, पक्का। इसके बाद है प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए तो एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है, उसके लिए बजट को रिलीज किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों, आज अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रोड को बनाना है, वो एक प्रोजेक्ट है, तो पहले क्या किया जाता है भाई, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है कि ये काम करना है, उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं दोस्तों, कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गया। मेन जो एग्जाम में आने लायक है वो सीआरएम है, एससीएम है, ठीक है। तो एससीएम आपको याद होना चाहिए, एससीएम बोले तो क्या हो जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल किसके पास से आएगा बताइए, सप्लायर के पास से। तो रॉ मटेरियल के लिए आएगा सप्लायर से, सप्लायर से फिर अपन के पास रॉ मटेरियल आ गया, अपन उसकी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा दोस्तों, कस्टमर के पास जाएगा, और उसके बाद कस्टमर से किसके पास जाएगा बताइए, कंज्यूमर के पास। क्या कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है भाई। जो कंज्यूमर होता है वो अल्टीमेटली क्या करता है, कंज्यूम करता है, और कस्टमर क्या करता है बताइए दोस्तों, वो उसके लिए खरीदता है। जैसे दुकानदार जो होता है वो एक तरीके से कस्टमर हो जाता है, समझ में आए, दुकानदार क्या हो जाता है, कस्टमर, और हम जब जाकर के उसके पास खरीदते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, उसके कंज्यूमर। समझ में आ रहा है दोस्तों, पक्का, अच्छे से। चलिए अब अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हो जाता है किसके बारे में दोस्तों, सीआरएम। व्हाट इज सीआरएम दोस्तों, दैट इज नोन एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, लेकिन एससीएम के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों, तो एससीएम के बारे में अपन ने कुछ स्टेप बाय स्टेप देखे थे क्या उसके, SCM के नहीं, ओके okay, तो CRM की ही बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहां पर हमें कस्टमर के साथ क्या इंप्रूव करना है दोस्तों, संबंध जो है हमारे, रिलेशन जो है वो हमें क्या करना है दोस्तों, से मैनेज करना है, और मैनेज क्या करना है, उसे इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियसली बात है, अगर हम कस्टमर को अच्छा ट्रीट करेंगे, जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं उनको अगर थोड़ा प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उन पुराने कस्टमर्स में मान लीजिए वो ज्यादा हमसे माल भी नहीं खरीदते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, विशेस भेजते रहते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल टाइम टू टाइम उनको हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर एंटिटी की इंफॉर्मेशन देते रहते, तो उनके अंतर्गत ब्रांड की क्या होती रहती है, रिकॉलेबिलिटी बढ़ती रहती है, और इसके कारण हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सीआरएम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो सीआरएम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। आज सीआरएम की वजह से कुछ बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि कस्टमर के साथ रिलेशन इंप्रूव होता है, इसके कारण कस्टमर के साथ के थ्रू हम क्या इंप्रूव कर पाते हैं, अपनी रेवेन्यू इंप्रूव हो जाती है, फिर हम अपसेलिंग एंड क्या कर पाते हैं, क्रॉस सेलिंग कर पाते हैं, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन हो जाता है, मार्केटिंग भी जो है हमारी कम पैसों में ही हो जाती है, क्योंकि हमें अब नए कस्टमर को पकड़ के नहीं लाना, वो पुराने कस्टमर्स को ही हम बार बार नए 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 प्रोडक्ट्स देते रहते हैं, वो हमसे ही चीजों को खरीदते रहते हैं, तो एक ही कस्टमर से हमारी क्या बढ़ती जाती है दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम दोस्तों, सबसे पहले क्या है, इंप्रूव कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ हमारे रिलेशनशिप बढ़ जाते हैं। अब वो कैसे बढ़ते हैं, जब कस्टमर के साथ हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है, हम
अपनी बात उसे बताते हैं, फिर वो अपनी क्वेरीज बताता है, अपनी कंप्लेन बताता है, आफ्टर सेल सर्विस हम उसको देते हैं, वो हमसे खुश हो जाता है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस। आज आपने देखा होगा अमेज़न वगैरह अच्छे क्यों माने जा रहे हैं, बिकॉज उनका कस्टमर रिलेशन कितना अच्छा है। आज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार कॉल सेंटर पर फोन करो तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, वो आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करेंगे। और कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया तो सामने से ही चल के फीडबैक कॉल आ जाता है, प्रोडक्ट डिलीवर हुआ क्या, कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया क्या, आपका कैसा फीडबैक है, अमेज़न को आप कितना रेट करना चाहेंगे, इस प्रकार की चीजें आ जाती है। दैट इज नोन एज इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन। अब जब कस्टमर अगर खुश हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कस्टमर के थ्रू हम क्या कमाएंगे, रेवेन्यू। अच्छा, कस्टमर के साथ अगर हम क्या करते हैं, अच्छा रिलेशन डेवलप करते हैं, तो आज कस्टमर्स की लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता चल जाती है, तो हम चीजें उसके सामने भी इसे वही पुट ऑन करते हैं जो उसको पसंद आती है। ऑब्वियसली बात है कस्टमर हमसे तुरंत ही चीजों को क्या कर लेता है, बताइए, परचेस कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बार 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 ये जो डेटा है ना हमारे पास फीड होता रहता है, तो आज इसीलिए अमेज़न में जाते हो तो प्रोडक्ट यू वो लाइक टू द मोस्ट या फिर सजेस्टेड प्रोडक्ट फॉर यू, रिकमेंडेड फॉर यू, ये सारी चीजें जो आती है ये किसकी वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ CRM। उसके बाद बोला जा रहा है भाई मैक्सिमाइज हो जाती है क्या, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। आज अगर देखा जाए तो भाई आपको अगर अच्छी अच्छी चीजें खुद सेलर सामने से चल के बताए तो देयर आर चांसेस कि आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, आपने देखा ही होगा कि भाई अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल किसके अंतर्गत, प्रोडक्ट के आप परचेज करते हैं, तो कई बार लिखा रहता है कस्टमर्स हु बॉट दिस प्रोडक्ट हैव फ्रीक्वेंटली परचेज दीज टू। मैंने कैमरा खरीदा तो बोले सर कैमरा कहाँ रखोगे, स्टैंड भी तो ले लो, अगर आप ये लोगे हम आपको 500 रुपए का क्या देंगे डिस्काउंट। सर आपने कैमरा ले लिया, स्टैंड ले लिया, इट्स गुड, लेकिन अगर कैमरा जो है फॉर एग्जांपल उसमें बैटरी खत्म हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा बैटरी ले लो, एक्स्ट्रा कार्ड ले लो, बैग ले लीजिए इसको सेफ रखने के लिए, सब कुछ का मिला करके हम आपको 1500 का क्या दे देंगे डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली बात है ना, आज इसकी वजह से क्या हो गई, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। मैं खरीदने गया था कैमरा 40,000 रुपए का, मैं खरीद के आया 5-6 चीजें 55,000 रुपए में, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने क्या कर लिया, बचा लिया 1500 रुपए, लेकिन एक्चुअली में मैंने ज्यादा, मतलब ये नहीं बोलेंगे ज्यादा पे किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपन अपने बजट से तो ओवर चले गए ना, 40 की चीज के बदले 55 की चीजें लेकर गया, और इसमें फायदा किसका हुआ बताइए, सेलर का हुआ। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, पक्का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट यहां पर बात हो जाती है, दैट इज अबाउट व्हाट दोस्तों, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, आज आप बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन हो जाता है, अगर मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट का अगर हमने एक कस्टमर के बारे में अगर बता दिया और हर डिपार्टमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, तो हर डिपार्टमेंट भी उसी कस्टमर को क्या कर पाता है, अप्रोच कर पाता है। अरे आप समझ रहे हो, पता है आपको मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी यहाँ पे अगर हम अपने शहर की बात करें तो यहाँ पे खटवानी ग्रुप थोड़ा बड़ा ग्रुप है जिनके पास बहुत सारा वर्क है। ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करें तो आज हुआ क्या, उनके पास VLCC है, तो मैं VLCC में गया, मैंने हेयर कट का सर्विस लिया, उनके पास मेरा डेटाबेस चला गया, उनको समझ में आया ये हेयर कट सैलून में अगर मैंने सर्विस लिया तो देयर इज सम थिंग कि मैं फैशन में भी क्या होगा इंटरेस्टेड होगा। तो एक बार उनके दूसरे शोरूम से फोन आया कि सर हमने आपके लिए 20% डिस्काउंट रखा है, आप चाहें तो 2 दिन में आ सकते हैं और 2 दिन में आप आकर के हमारे यहां पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये सर्विसेज को ले, मतलब ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, हमारे सारे ब्रांड्स क्या हैं, गारमेंट्स के सारे ब्रांड्स हैं। तो आज आपने देखा मैंने उनकी एक जगह पर क्या लिया, सर्विसेज लिया, आज इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ तो दूसरी जगह से क्या आ गया, मुझे फोन आ गया। अब अगर मैं फैशन में जाता, एक बार उन्हें समझ में आ जाता कि इसकी पेइंग कैपेसिटी है, अगर मान लीजिए मैं एक साथ 20,000-25,000 का माल खरीद लेता, इन्हीं का ही तनिष्क शोरूम भी है, फिर ये मुझे क्या करते वहां से फोन लगवाते कि सर आप यहां पे भी आइए, फिर तनिष्क से माल खरीद लेता, अगर मान लो 1-2 लाख का खरीद लेता तो ऑब्वियसली आता इनको लगता कि भाई आदमी बहुत रही से कार भी अफोर्ड कर सकता है, फिर MG से मेरे को एक फोन आता कि सर आप क्या खरीद लो, कार भी खरीद लो। अगर मैं कार खरीद लेता तो फिर इनका बिल्डिंग का भी काम है, रियल एस्टेट का भी काम है, फिर ये उठा करके एक बंगलो भी चिपका देते। अरे समझ में आता, इंटरनल कम्युनिकेशन, अच्छा नाटा इज बिकमिंग अ व्हाट दोस्तों, ही इज बिकमिंग अ पर्टिकुलरली कस्टमर फॉर एवरी बिजनेस। एक जगह पर मैंने छोटी सर्विस लिया, लेकिन जाते आते बाल कटवाने से लेकर बंगले का तक का सफर मैंने आपको दिखा दिया। दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। मार्केटिंग कितनी ऑप्टिमाइज्ड हो गई, आज उन्हें मुझे मेरे डेटा को कलेक्ट करने के लिए कहीं से भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़े। और आज देखो ना, जो कार खरीदने जाता है उसको VLCC भी फोन चला जाता है, जो VLCC जाता है उसको तनिष्क से भी फोन चला जाता है, जो तनिष्क में जाता है वो बंगले वाले फोन, रियल एस्टेट वाले फोन कर देते हैं, जो रियल एस्टेट में अगर खरीद लेता फॉर एग्जांपल इनका और अगर कोई होता है वहां पे कर देते, अच्छा इनके और भी शोरूम्स है। तो आप समझो ना कितनी ऑप्टिमाइज हो गई मार्केटिंग, इनके पास पूरे शहर भर का लगभग क्या होगा भाई, डेटा होगा, क्योंकि 55 शोरूम्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपने विजिट किया ही होगा।
समझ में आया कि नहीं आया पक्का दोस्तों, दिस इज नोन एज व्हाट, CRM। ओके नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंटिंग कंसेप्ट को लेकर के। इन्वेंट्री अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स वगैरह अपन रखते हैं दोस्तों, इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ठीक है। ऑल द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इन्वेंट्री आर कवर्ड इन दिस मॉड्यूल। कौन कौन सा रहता है, लाइक स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, गोडाउन, यूनिट ऑफ मेजर, रीऑर्डर लेवल, प्राइस लेवल, स्टॉक एजिंग कॉस्ट, ट्रैकिंग बैच, एक्सपायरी डेट्स एटसेट्रा। समझ में आ गया। चलो एग्जाम में इसके आने के चांसेस भी अच्छे खासे, इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल, ठीक है। आज अगर अपन बात करें कि भाई हर मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के साथ क्या है होता है, इंटीग्रेशन होता है। जैसे मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन किसके साथ होना चाहिए दोस्तों, डेट इज फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग के साथ। क्यों? क्योंकि मटीरियल जो है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसा। तो अगर पैसा होगा तो ही तो आप क्या मंगा सकते हो, मटीरियल। और मटीरियल आया है तो क्या पे करना पड़ेगा, पैसा। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, तो मटीरियल मैनेजमेंट का किसके साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, फाइनेंस एंड व्हाट दोस्तों, फाइनेंस कंट्रोलिंग के साथ होना चाहिए। एचआर का किसके साथ होना चाहिए, फाइनेंस कंट्रोलिंग के साथ। मटेरियल मैनेजमेंट का और किससे कर सकते हो, प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन का किसके साथ कर सकते हो, सेल्स के साथ। मटेरियल मैनेजमेंट का किसके साथ कर सकते हो, क्वालिटी के साथ। मटेरियल मैनेजमेंट का किसके साथ कर सकते हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और मटेरियल मैनेजमेंट का किसके साथ कर सकते हो, प्लांट एंड मेंटेनेंस के साथ। आज अगर देखा जाए मटेरियल आया है भाई, प्लांट तैयार है कि नहीं इतने मटेरियल को एक साथ लेने के लिए, मटेरियल आ गया है भाई, सेल्स हमें चाहिए, सेल्स हमें क्या करनी थी, सेल्स का ऑर्डर आया था तो हमने उतना मटेरियल मंगा लिया। मटेरियल आया है तो फाइनेंस अवेलेबल है, मटेरियल आया है तो चेकआउट करो क्या वो उस क्वालिटी का आया है कि नहीं। तो जब सब इंटीग्रेटेड होंगे, सिंगल डेटा बेस पे होंगे, ऑटोमेटिकली काम आ जाएगा कि मटेरियल आया, क्वालिटी वाला भी पहुंच गया, मटेरियल आया फाइनेंस वाला भी पहुंच गया, मटेरियल वाला आया प्रोडक्शन वाला पहुंच गया, मटेरियल बन गया सेल्स वाला पहुंच गया, मटेरियल आया क्वालिटी वाला पहुंच गया। अरे आया कि नहीं आया, पक्का। दिस इज नोन एज व्हाट, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों, पक्का। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों, ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को क्या देता है, इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जो टाइमली एक्यूरेटली एंड मीनिंगफुल डेटा देता है। क्या देता है दोस्तों, टाइमली एक्यूरेटली एंड मीनिंगफुल डेटा देता है किसको, मैनेजर्स को, ताकि वो क्या कर पाए, डिसीजंस ले पाए। आज अगर मान लीजिए मैं बात करूं मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट लेवल जो है वो अलग अलग लेवल पे होते हैं, मैनेजमेंट अलग अलग लेवल पे होता है, बॉस एक होता है, मैनेजर्स अलग अलग होते हैं। तो इन मैनेजर्स को कैसी चाहिए, वाइजा वाइज रिपोर्ट चाहिए। कैसी रिपोर्ट चाहिए, वाइजा वाइज रिपोर्ट चाहिए। कभी डेट वाइज चाहिए, कभी मंथ वाइज चाहिए, कभी ब्रांच वाइज चाहिए, तो कभी प्रोडक्ट वाइज चाहिए। ये सारी अलग अलग वाइजा वाइज जो रिपोर्ट मिलती है, ये रिपोर्ट जो मिलती है किसकी बदौलत मिलती है दोस्तों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बदौलत। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये ऑन डिमांड रिपोर्ट जनरेट करने को होना चाहिए, ताकि ज्यादा बेहतर रिपोर्ट अगर हमें मिल पाए तो वो बेहतर क्या ले पाएंगे दोस्तों, डिसीजन ले पाएंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, बेनिफिट्स ऑफ MIS, MIS के क्या बेनिफिट्स है, तो दैट इज नोन एज स्टार। पहला क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड डेटा, टाइमली डेटा, एक्यूरेट डेटा, रिलेवेंट डेटा। तो भाई आज अगर अपन बात करें MIS की, तो MIS के बेनिफिट्स भी यही है और क्राइटेरिया भी यही है। बोला जाता है भाई जो MIS है उसे क्या करना चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। या ये भी बोल सकते हो कि MIS कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, मैनेज ये इंफॉर्मेशन कैसी देना चाहिए, एक्यूरेट देना चाहिए, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना चाहिए मैनेजर्स को, ताकि मैनेजर्स जो भी डिसीजन ले सके वो एकदम सही ले सके। फिर बोला गया रिलेवेंट होना चाहिए, आज जो मेरे काम का है ना वो मुझे पता चलना चाहिए, दूसरे के काम की इंफॉर्मेशन देख करके मैं टाइम पास ना करूं, मेरा काम का रिलेवेंट डेटा। मैंने बोला ना मुझे इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए, तुम अगले 5 साल का दे रहे हो, वो मेरे काम का नहीं है। मैंने बोला रिलेवेंट, मुझे चाहिए इस तारीख से इस तारीख तक का डेटा, मुझे चाहिए इसी ब्रांच का डेटा, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलरली इसी मंथ की इंफॉर्मेशन, तो वो वैसा ही देने को होना चाहिए। दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, बोलो, दैट इज रेलिवेंट डेटा। फिर हो जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पर होता यह है दोस्तों कि जो भी डेटा होते हैं ना, वो डेटा जो है वो दोस्तों वो काफी कॉम्प्लीकेटेड होते हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन आप बना करके दो, ताकि MIS ऐसी इंफॉर्मेशन बना करके दे ताकि उसको देखकर इजिली वैसे क्या हो पाए,
डिसीजन लिया जा सके। आज EIS एक साथ आपके मुंह पे फेंक के मारूंगा कि समझ पाओगे क्या, नहीं। तो इसीलिए इसको ऐसा प्रेजेंट करके आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप इजीली वे में उसे समझ सको और आपका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे बढ़ जाए। तो बार बार प्रेजेंटेशन ही चेंज किया जा रहा है ना। आज ये PPTs क्यों बनाई गई है, आज ये सारी चीजें क्यों बनाई गई, ताकि आपके दिमाग में एक अलग तरीके से यही डेटा जाए। दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड। समझ में आ गया दोस्तों? तो रिलेवेंट में बोला गया नीड टू स्पेसिफिक टू द बिजनेस होना चाहिए, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर एक्यूरेट होना चाहिए, एंड इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहिए, ठीक है, रीडेबल चंक्स में हो, छोटे छोटे ब्लॉक्स में हो, ताकि उसे समझने में काफी आसानी हो। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का। चले नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, दैट इज अबाउट व्हाट, ये जो MIS होता है, आखिरी MIS की रिपोर्ट कौन यूज करता है, तो कौन यूज करता है बताइए दोस्तों, मैनेजर्स यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, अगर अपन बात करें दोस्तों टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इन MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है, तो एग्जाम्पल के नाम पर आपसे पूछा जा सकता है कि MIS रिपोर्ट में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन्फॉर्मेशन हो सकती है नंबर ऑफ कॉल्स जो स्टाफ के पास आए, नंबर ऑफ ईमेल जो एक दिन में हमारे पास आते हैं, स्टाफ एक कॉल को पिक करने में, ईमेल को देखने में कितना एवरेज टाइम लगाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है दैट योर स्टाफ आंसर्स करेक्टली वर्सेस द नंबर दैट आर इनकरेक्ट। तो ये डेटा अगर इस टाइप के छोटे छोटे वाइजा वाइज डेटा अगर हमें मिल जाते हैं, आज इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं बताइए, डिसीजन ले पाते हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? पक्का। नेक्स्ट कंसेप्ट किसके बारे में दोस्तों बताइए, डेटा एनालिटिक्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिटिक्स दोस्तों, दैट इज एग्जामिनिंग द डेटा सेट टू ड्रॉ व्हाट दोस्तों, कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। तो बाय डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा को एनालाइज करना, और ऐसा एनालाइज करना कि उस डेटा की मदद से हम एक अच्छा डिसीजन ले पाए और नॉलेज गेन कर पाए, एक अच्छा डिसीजन ले पाए और नॉलेज गेन कर पाए, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स मतलब प्रोसेस करना, एग्जामिनिंग ऑफ डेटा टू ड्रॉ व्हाट दोस्तों, कंक्लूजन अबाउट दी और दोस्तों डेटा, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच अल्टीमेटली लीड्स टू नॉलेज एंड इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स अगर हम बात करें जो इसके अंतर्गत डेटा एनालिसिस कैसे होते हैं, तो डेटा एनालिसिस जो है दोस्तों वो बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, अगर आपको याद होगा दोस्तों। एक होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक होता है कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। याद आ रहा है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मतलब ये कुछ नया एक्सप्लोर करता है, कुछ ऐसी चीज जो कि पहले आपको पता नहीं थी वो यहां से पता चलती है, उसे अपन बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। समझ में आ रहा है? आज ये जो नीचे जो जमीन में गड़ी हुई चीजें मिल जाती है ना, और मिलने के बाद बोला जाता है कि ये 17वीं शताब्दी की थी, 15वीं शताब्दी की थी, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब डेटा का पैटर्न्स निकाला जाता है। समझ में? अभी रिसेंटली मैं भूल गया हूं, लेकिन 7-8 दिन पहले एक न्यूज मैंने देखी थी, मैं कंट्री का नाम भूल गया हूं, किसी कंट्री में हमारे यहां की एक बहुत ही अच्छी मूर्ति जो वाराणसी की थी या बनारस की थी, वो मूर्ति 1800 कभी में चुरा करके एक मंदिर से निकाली गई थी, और वो मूर्ति जो है वो किसी अंग्रेज को दे दी गई थी, और अंग्रेज लेके गया था कहां पर, अपने देश में, और वो अंग्रेज ऐसा अंग्रेज था जो बहुत सारे प्रकार की क्या करता था, ऐसी यूनिक चीजों को कलेक्ट करता था, उसने अपने मरने के बाद चले। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो बेसिकली क्या हुआ था, बेसिकली ये हुआ कि भाई वो जो बंदा है उसने अपने नाम पर क्या किया दोस्तों, एक बनाया क्या, एक म्यूजियम बनाया, और उस म्यूजियम को बना करके उसने क्या किया, वहां पे भी उस मूर्ति को क्या क्या दिया दोस्तों, रखा। समझ में? अब वो मूर्ति जो है इंडिया में वापस आई है, ठीक है, अभी अब वही चीज का ही वो न्यूज पूरे चैनल में हुई, मोदी जी की वजह से एक मूर्ति आ गई, तो ये वाला कंसेप्ट था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या था दोस्तों, तो अब ये पता कैसे चला, अच्छा ये पता किसने लगाया कि वो मूर्ति वहां पर है, वो एक इंडियन साइंटिस्ट थी एक लड़की, उससे पता चला कि भाई ये मूर्ति जो है वो वहां पर रखी हुई है, फिर यहां से वो जो भी बातें हुई प्रूव्ड हुआ, फिर पूरी हिस्ट्री निकाली गई। अच्छा उस मूर्ति के बारे में कैसे पता चला उसको, तो उन्होंने भी रिसर्च किया, उन्होंने कहीं इस मूर्ति को देखा,
फिर उसके बारे में पूरी रिसर्च किया, उनको रिसर्च करने में 12 साल लग गए उस लड़की को, तब जाकर के प्रूव हुआ कि भाई हाँ ये मूर्ति इंडिया की है, इस टाइम की है, यहां से आई थी और उसी मंदिर में अब उसे क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो वो जो उन्होंने निकाला वो कौन सा डेटा था बताइए, एक्सप्लोरेटरी डेटा। कौन सा डेटा बताइए, एक्सप्लोरेटरी डेटा। फिर एक होता है दोस्तों जैसे अपन बोलते हैं कंफर्मेटरी डेटा। कंफर्मेटरी डेटा मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर अपन क्या कहते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कि भाई हां ये सही है कि नहीं। आज अगर देखा जाए तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आज आपको टिप्स मिलती है शेयर मार्केट की, भाई वो बताते ये चीज करो ये शेयर पक्का ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जब अपन बोलते हैं ना भाई देखो कैसे पता है ऊपर जाएगा, वो पीछे का बताते हैं ना डेटा, देखिए ट्रेंड आया है, समझ में, इस ट्रेंड से ये अब ऊपर ही जाता है, इस ट्रेंड से नीचे ही जाता है। तो दिस इज नोन एज व्हाट दोस्तों, कंफर्मेटरी डेटा, जो बताता है कि वो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा, नंबर्स होंगे, क्या होंगे, नंबर्स होंगे, न्यूमेरिक्स होंगे। और क्वालिटेटिव डेटा अगर हम बात करें तो इसके अंदर इमेजेस होती है, ऑडियो होता है और वीडियो होता है। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का। अगर हम बात करें एडवांस टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स की, तो इसके अंतर्गत अलग अलग और तीन चीजें दोस्तों, एक है डेटा माइनिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस और मशीन लर्निंग। डेटा माइनिंग मतलब कि हम क्या करते हैं, हम डेटा को माइन करते हैं, माइन करके आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स को या पैटर्न्स को निकालने की कोशिश करते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब हम यहां पर प्रिडिक्शंस देख पाते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है, आगे जाकर के कस्टमर का बिहेवियर ऐसा होगा, आगे जाकर के इक्विपमेंट फेल कर जाएगा। होता है ना भाई, आज ये बोलते हैं ना भैया देखिए आपकी गाड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा इतने किलोमीटर चलेगी, इसके बाद नहीं चल पाएगी, आपको चलाना है आप चला लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन्वर्टर ठीक किया, वो इन्वर्टर वाले ने बोला फॉर एग्जांपल सर आपका ये जो है मैं ठीक कर दे रहा हूं लेकिन 3-4 महीने से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आपको नया लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या किया उसने, ये जो उसने बताया प्रेडिक्टिव एनालिसिस किया। अच्छा उसने ऐसे ही बोल दिया क्या, नहीं, उसका पीछे पहले का कुछ क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो उसका वही भी एक तरीके का क्या, डेटा एनालिटिक्स है। और फिर हो जाता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब बेसिकली क्या हो जाता है कि अब इन्हीं डेटा माइनिंग को और इन्हीं प्रेडिक्टिव एनालिस्ट को कहां डाल दिया है, मशीन में, जिसे अब मशीन ही बेहतरीन तरीके से प्रिडिक्ट करके बता पा रही है कि आगे जाकर के क्या हो सकता है। आज मशीन ही तो आगे जाकर के बता रही ना, अगले 10 साल के बाद अब इस टाइप की चीजें आ सकती है, अगले 10 साल के बाद प्रदूषण का लेवल ये होगा, आगे जाके वेदर की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, गर्मी और बढ़ जाएगी। ये सब कहां से आ रहा है, बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। समझ में आया दोस्तों, पक्का। चलिए इनसाइड द डेटा एनालिसिस प्रोसेस। डेटा एनालिसिस प्रोसेस में आखिर क्या क्या होता है दोस्तों, तो डेटा एनालिसिस प्रोसेस में कुल मिलाकर के तीन चीजें होती है। पहला होता है डेटा का कलेक्शन। पहले तो अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्सेस से डेटा को क्या किया जाता है दोस्तों, लिया जाता है और असेंबल किया जाता है। फिर उस डेटा को साफ करना पड़ता है भाई। कोई कहीं पर क्या लिखा है, DDMMYY, कहीं लिखा है YYYMMDD, कहीं DDMMYYYY, समझा, कहीं MMDD वाई, कहीं DDLJ, अरे आया कि नहीं आया। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, तो कई जगहों पर क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसा सब लिखा हुआ है। तो इन चीजों को क्या करना पड़ता है, एक ही फॉर्मेट में स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ता है। फाइंड एंड फिक्स द डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम, सबको एक जैसा लाओ और एक जैसा लाओ। तो पहले क्या करो, डेटा को कलेक्ट करो, फिर डेटा को ठीक करो, डेटा की जो प्रॉब्लम है उसकी क्वालिटी इश्यूज को ठीक करो, स्टैंडर्डाइज करो, और फिर उसको एक साथ रख करके उसमें एनालिटिकल टूल के थ्रू ये देख लो कि क्या पैटर्न, क्या ट्रेंड्स वहां पर क्रिएट हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज व्हाट, बिजनेस इंटेलिजेंस। व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, नाम से समझ में आ रहा है, इंटेलिजेंस मतलब कि बेसिकली हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम बेसिकली जो डेटा है उस डेटा से क्या करेंगे, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। उसके लिए यूज होता है इंटेलिजेंस। कोई भी डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, इंटेलिजेंस। तो वही बिजनेस के डेटा से अगर मीनिंगफुल कोई बात निकालनी है तो उसके लिए यूज क्या होता है दोस्तों, बिजनेस इंटेलिजेंस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिफाइनिंग डेटा फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों, जो BI के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों, ठीक है, वो इतना प्यारा होता है, जिसके अंतर्गत डेटा लिया जाता है यस्टरडे का एंड टूडे का, और उसकी मदद से बेटर डिसीजन लिया जाता है किसका, टुमारो का। तो भाई BI यूजेस द डेटा ऑफ यस्टरडे एंड टुडे टू मेक डिसीजन फॉर टुमारो। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का। तो BI इज डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर विद इन राइट टाइम टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इन सिंपल वर्ड इट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन रिफाइनिंग फ्रॉम मेनी सोर्सेज एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इट इन मेनी वेज टू मेक इट अ बेटर डिसीजन। समझ में आ गया।
अब बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या बेनिफिट है? पहला, इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है क्योंकि आपको नहीं करना पड़ता, मिल जाती है आपको, ठीक है। ऑप्टिमाइज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, न्यू रेवेन्यू के सोर्सेस पता चल जाते हैं और हम अपने राइवल से आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स है बताइए। पहला, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, नए रेवेन्यू के सोर्सेज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाते हैं और कम्युनिकेशन अमंग द डिपार्टमेंट जो है वो इनहैंस हो जाता है। समझ में आ गया। आज बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं मार्केट ट्रेंड को, स्पॉट करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम को डेट नीड टू बी एड्रेस्ड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी दोस्तों, मैं बात करता हूं किसकी, बीआई की। तो बीआई हेल्प्स करता है किसमें दोस्तों, इन एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस, अलाउिंग फॉर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू कस्टमर प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटीज। तो आज अपन कस्टमर का एक्सपीरियंसेस भी समझते हैं, उसके बाद अलाउ करते हैं कि भाई अपन उसे बेटर से बेटर क्या कर पाए दोस्तों, रिस्पॉन्ड कर पाए। इसके लिए क्या होता है हमारा बी आई। समझ में आ गया। आज ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस कंसेप्ट है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस कंसेप्ट जो है वो बेसिकली हमें क्या क्या रिवील करके देता है दोस्तों, आखिर हम बिजनेस इंटेलिजेंस को क्यों लगाएं अपने धंधे में, ताकि पोजीशन ऑफ द फर्म पता चल सके इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर, चेंजेस इन कस्टमर बिहेवियर, कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म, मार्केट कंडीशंस वगैरह क्या है, सोशल रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है और व्हाट द अदर फर्म्स इन द मार्केट आर डूइंग, इससे हमें मिल जाता है दोस्तों। आज की डेट में मुझ जैसा छोटा बिजनेस ये चीजें कर रहा है, लेकिन कौन सी इंटेलिजेंस से? अपनी खुद की इंटेलिजेंस से। मैं भी तो देखता रहता हूं कि मेरा कहां पर रैंक कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4 कहां पर हूं आखिर में, कस्टमर का बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। आज कस्टमर बोलता है मैं क्लास में नहीं आऊंगा, मैं घर पे आऊंगा, मैं ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूं। आज कस्टमर बोल रहा है रिवीजन कराओ, मैं रिवीजन करा रहा हूं। कस्टमर बोलता है रिवीजन का टेस्ट लेना, तो मैं कल टेस्ट भी लूंगा। तो कैपेबिलिटीज ऑफ द फर्म, मेरी क्या कैपेबिलिटी है फर्म की, उसके बाद फ्यूचर ट्रेंड्स वगैरह क्या रहेंगे, आगे जाकर की चीजों में क्या बदलाव हो सकते हैं। हमें पता है कि भाई एनवायरमेंट में COVID-19 आया, अब बदलाव ये होगा कि अब बच्चा रिकॉर्डेड भी ले सकता है, ऑनलाइन लाइव भी पड़ेगा और फेस टू फेस। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये मैंने अपनी इंटेलिजेंस से किया। यही जब कोई मुझे मशीन बता देती है तो वो क्या बन जाता है? बिजनेस इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से। चलिए अगर अपन बात करें दोस्तों बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में, तो अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो बी आई का जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ठीक है, आइए ओके, सारी बातें हो गई बी आई के बारे में। अब अपन को किसके बारे में बात करनी है दोस्तों? XBRL के बारे में, that is about the business reporting, और business reporting में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है? XBRL. What is XBRL? Extensible Business Reporting Language. ठीक है दोस्तों, ये जो XBRL है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या बनाई गई है? बिजनेस रिपोर्टिंग बनाई गई है, जो कि बना करके किसने दिया? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम ने। किसने बना करके दिया? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम ने, जिसे अडॉप्ट किया है 50 से ज्यादा कंट्रीज ने। जिसे अडॉप्ट किया किसने? 50 से ज्यादा कंट्रीज ने। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भाई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ XBRL डॉक्यूमेंट हर साल क्या हो रहे हैं बताइए, तैयार किए जा रहे हैं। अब XBRL की बात की जाए, तो आखिर XBRL जो है वो क्या है दोस्तों? तो XBRL बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट है दोस्तों, जिस रिपोर्ट के पहले आने से पहले एक कंसेप्ट ये हुआ करता था कि भाई हम जो थे वो बहुत अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट बनाते थे। आज हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एकदम अलग अलग रिपोर्ट बनाता था, अलग अलग अथॉरिटीज के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनती थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जब अथॉरिटीज को रिपोर्ट देता था तो अपने हिसाब से देता था। आज अगर देखा जाए तो भाई मैं शायद PAT, that is profit after tax के हिसाब से सारी चीजें करता था। अब कोई PBT के हिसाब से करता था, profit before tax, तो कोई क्या करता था पता है? आज मुझे भी बताना है अपने shareholders को अपना profit, मेरे competitor को भी बताना है। मेरा ही क्या है, profit अच्छा है, लेकिन मैं PAT दिखाता था, profit after tax, तो मेरा कम दिखता था। वो PBT दिखाता था, उसका tax minus करो तो loss में घुस जाए, बट फिर भी उसका क्या, PBT के कारण वो मुझसे ज्यादा दिखता था, लोगों को लगता था वो अच्छी कंपनी है लेकिन मैं अच्छी कंपनी था। तो आज ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। साथ ही साथ भाई अब सभी खर्चे को डालना और क्लासिफाई करना भी क्या हो जाता था, बहुत ही अलग अलग तरीके से करते थे। आज मार्केटिंग के खर्चे को, आज टीवी एड मैं लिख देता था, एडवर्टीजमेंट तो कोई लिख देता था, मार्केटिंग तो कोई लिख देता था, क्या पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कोई लिख देता था, क्या फॉर एग्जाम्पल बैनर्स एंड होर्डिंग्स, इस टाइप के अलग अलग क्या हो रहे थे, नाम भी यूज किए जा रहे थे, वर्डिंग्स भी यूज की जा रही थी, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो पा रहा था। अथॉरिटीज को भी प्रॉब्लम जाती थी, पीपल को भी प्रॉब्लम जाती थी। तो XBRL दैट इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज आया, जिसके अंतर्गत सबसे प्यारी चीज आई कि टैक्सोनॉमी कर दी गई। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्डिंग्स इन XBRL। XBRL ने बताया कि भाई सुनो तुम मेरी डिक्शनरी यूज करो, ठीक है, मेरे यहां पर इस चीज का मतलब यही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा,
यही माना जाएगा, तो तुम्हें यही लिखना पड़ेगा। तुम ये बिल होर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैम्पलेट ये नहीं यूज करोगे, मैंने बता दिया। आपको यूज करना होगा मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपको यूज करना होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो आपसे वही के वही क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसने क्या दे दिया, एक टैक्सोनॉमी दे दिया, जिसकी वजह से अब एक स्टैंडर्डाइज क्या बन गया दोस्तों, डेटा बन गया। और हर रेगुलेटरी क्या करता है दोस्तों, जब हम XBRL पे रिपोर्ट बना करके ऊपर डालते हैं, हर रेगुलेटर अपने अपने हिसाब से क्या ले सकता है, रिपोर्ट ले सकता है, क्या करके, टैगिंग करके, क्या करके, टैगिंग। जैसे फेसबुक में आज अपन सब अपनी फोटो डालेंगे, तो उसके बाद आज मेरा चेहरे पर अच्छे नाटक एक टैगिंग होगी, फॉर एग्जांपल यशमान के चेहरे पर यशमान का होगा, विदांत के चेहरे पर विदांत का होगा। आज अगर मान लीजिए भाई किसी को विदांत को देखना है फॉर एग्जांपल, उस फोटो में विदांत कौन है, तो भाई वो आराम से क्या कर सकता है, टैग करके फाइंड आउट, वहां टैगिंग की भी है, फाइंड आउट कर सकता है। अगर विदांत के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल पे चले आएगा। वैसे यहां पर भी है, यहां पर आप पूरा का पूरा डाल देते हो, उसके बाद क्या कर देते हो, टैगिंग। आज इनकम टैक्स अथॉरिटी को उस रिपोर्ट में से क्या क्या निकालना है, वो टैगिंग, वो टैक्सोनॉमीज यूज करते हैं, टैगिंग्स डली होती है, उतनी चीजें बाहर आ जाती है। उनको सब नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कुछ चीजें चाहिए, वो मिल जाती है। MCA को जो चाहिए वो उसको मिल जाता है, सेबी को जो चाहिए वो उसको मिल जाता है। मतलब रिपोर्ट एक ही लेकिन मजे सबके, बिकॉज ऑफ व्हाट, टैगिंग। समझ में आया कि नहीं आया? कौन यूज करता है XBRL को, रेगुलेटर्स यूज करते हैं, कंपनीज यूज करती है, गवर्नमेंट, डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट, अकाउंटेंट, कौन कौन यूज करता है बताइए, रेगुलेटर। तो अगर हम बात करें दोस्तों, पहली चीज अगर अपन बात करें तो अपन लेते हैं पहला चीज, दैट इज अकाउंटेंट। बनाता कौन है, अकाउंटेंट, किसके लिए बनाता है, कंपनीज के लिए, जो किसको देते हैं, रेगुलेटर को। रेगुलेटर से क्या याद आएगा, गवर्नमेंट। और फिर इसको डेटा प्रोवाइडर भी एनालाइज करते हैं, डेटा प्रोवाइडर भी एनालाइज करते हैं। तो बनाने वाला अकाउंटेंट किसके लिए, कंपनी, किसको देगी, रेगुलेटर को, कहां याद आ जाएगा, गवर्नमेंट। और साथ ही साथ डेटा एनालिस्ट एंड व्हाट दोस्तों, दैट इज डेटा प्रोवाइडर एंड एनालिस्ट। समझ में आ गया, पक्का अच्छे से याद हो जाएगा। चले, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ XBRL, एग्जाम में बकायदा पूछा जा सकता है। फीचर्स इसके चार हैं दोस्तों, ठीक है, चार फीचर्स आप इसे बोल सकते हैं, मल्टी TCS। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मल्टी TCS। पहला क्या है, मल्टी लिंगुअल सपोर्ट। क्या है दोस्तों बताइए, मल्टी लिंगुअल सपोर्ट। मतलब आज अगर देखा जाए तो इसमें सारी लैंग्वेजेस आ जाती है, इंग्लिश में बनाना इंग्लिश में बनाओ, फ्रेंच, स्पेन, चाइना, जापान, जैसा बनाने वैसा बना सकते। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा मैं छोटी कंपनी नहीं हूं, मैं बड़ी कंपनी हूं, मैं हूं सैमसंग। समझ में आ गया। अब सैमसंग की बात की जाए तो वो चाइना में काम कर रहा है, तो उसका अलग ही क्या होगा, पूरा डेट वेट सब अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी, चीनी मिनी क्या अलग होगा, इंडिया में अलग होगा। तो आज आप जो भी रिपोर्ट बनाते हो, आप XBRL रिपोर्ट में बनाते हो, तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, ऑब्वियसली होता है, अलग अलग लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो दूसरा है टी, टी स्टैंड्स फॉर टेस्टेबल बिजनेस रूल्स। इसके क्या है, रूल्स है। रूल्स कैसे हैं भाई, MMDDYY ही लिखोगे, रुपीस के केस में INR ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर इंडिया की बना रहे हो तो आप 1st of April से 31st of March तक के ही लोगे, इंडिया के बाहर का बना रहे हो तो 1st of January से 31st of December का ही लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तक बैलेंस शीट टैली नहीं होगी मैं तुम्हें अंदर डालने नहीं दूंगा। अगर हम बात करें तो सभी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपको 2 decimal position से ज्यादा नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं लिखोगे 66.537 0210। अरे आया कि नहीं, 66.53, बस इतना ही आया कि नहीं आया। दीज आर नोन एज व्हाट दोस्तों, टेस्टेबल बिजनेस रूल्स। समझ में आ गया। फिर क्या है दोस्तों, सी, सी स्टैंड्स फॉर क्लियर डेफिनेशन। हर चीज की क्या बना दिया है, टैक्सोनॉमी। तो डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमीज आर डेवलप्ड बाय रेगुलेटर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट एजेंसीज टू डिफाइन इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड अपॉन। ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। आज XBRL का मजा सब ले रहे हैं। आज XBRL जो है दोस्तों वो टैली में भी XBRL का कंसेप्ट है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, उसमें XBRL को इज्जत मिली है, XBRL की चीजें वहां पर इंटीग्रेट की गई हैं। समझ में आ गया। तो आज इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। तो आज XBRL की फाइल टैली में खोलनी है, XBRL की फाइल आपको अगर मान लीजिए कॉम्प्यूटेक्स में खोलनी है, XBRL की फाइल अगर आपको जेनिथ के सॉफ्टवेयर में खोलनी है, हर जगह ये ओपन हो सकती है। सब ने इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। नहीं आया, आ गया तो क्या हो गया, मल्टी TCS, मल्टी बोलो पहला, मल्टी लिंगुअल, टी फॉर टेस्टेबल रूल्स, फिर सी फॉर क्लियर डेफिनेशन, और एस फॉर स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का अच्छे से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, रेगुलेटरी
एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की अगर अपन बात करें दोस्तों, दो प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक हो जाता है हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग, अगर हम बात करें तो भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सिर्फ वही वही चीजें होती है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत अपन दोनों चीजों को क्या कर पाते हैं, मिक्स कर देते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो मेन अगर मुद्दे की बात की जाए तो यहां पर सिर्फ क्या पढ़ना है हमें, डिफरेंस बिटवीन व्हाट दोस्तों, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंट, एक अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर और एक ओनली टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में अपन को क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। तो मेनली यही चीज है जो एग्जाम में आ सकती है कि भाई अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड टैक्सेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं या ओनली टैक्सेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो इसके क्या आपको प्रोज है और क्या कौन है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, सबसे पहली चीज आपके सामने दिख रही है ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। किसके अंदर ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन होगा दोस्तों, दैट इज ज्यादा किसमें होगा, ओनली टैक्स कंप्लायंस में, क्योंकि वहां पर सिर्फ टैक्स की बात है। यहां पर दोनों ही चीजें, तो यहां पर थोड़ा सा इजिली इतना काम होता नहीं है। फीचर्स किसमें ज्यादा होंगे बताइए, ओनली वाले में, ये मत बोलना अकाउंटिंग की वजह से, तो यहां पे दोनों है। मैं बोल रहा हूं भाई, एक ओनली टैक्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप अकाउंटिंग एंड टैक्स की बात मत करो, ओनली एंड ओनली टैक्स की बात करो। आया कि नहीं आया? अगर आप दो चीजों को कंपेयर करो, मैं बोलता हूं भाई मेरा एक फोन ये है, एक फोन ये है, अब आपको इसको कंपेयर करना है, तो आप अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करो तो सिर्फ इसी की बात करो ना, कि भाई इसकी बैटरी ज्यादा है 7000 mAh की, इसकी बैटरी कम है 4000 mAh की। अब आप बोल रहे नहीं ये एप्पल का है, इसमें फीचर ज्यादा है, इसके अंदर iOS है, इसके अंदर एंड्रॉइड है, ये बात क्यों करना? आप बस बैटरी की बात करें तो भाई अगर आपको देखना है तो नो डाउट इसमें बहुत सारी चीजें ज्यादा है, फीचर वाइज ज्यादा है, लेकिन सिर्फ बैटरी की बात करें तो ये अच्छा नहीं है, 4000 का, और ये mAh का, और ये क्या है 7000 mAh का, तो ये ज्यादा अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? तो फीचर्स में ओनली टैक्स में ज्यादा फीचर होंगे क्योंकि ओनली टैक्स का है, तो उसमें टैक्स के जमाने भर के फीचर होंगे। और अगर मैं बात करूं किसकी, अकाउंटिंग एंड टैक्स की, तो उसके अंतर्गत फीचर्स थोड़े लेस होंगे। टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड, अगर हम बात करें तो भाई दोनों एक ही जगह पे, तो एफर्ट्स कम लगेंगे ना, अकाउंटिंग एंट्री पास की, वहीं से टैक्स का काम हो गया, फटाफट काम निपटा दिया। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग के लिए अलग डालो, टैक्स के लिए अलग डालो। अच्छा, यहां का डेटा कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां की वर्किंग अलग होगी, यहां की वर्किंग अलग होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम iOS का मतलब उठा करके iOS को एंड्रॉइड के ऊपर थोड़ी ना डाल सकते हो, एंड्रॉइड अलग तरीके से काम करता है, iOS अलग करता है। एक्यूरेसी कहां पे ज्यादा होगी, जहां पे दोनों ही होंगे, क्योंकि एक बार डेटा डाला वही डेटा सब जगह पर ठीक जा रहा है तो वहां एक्यूरेट है, यहां से वहां ले आने पर डेटा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। समझ में आया? कॉस्ट अगर अपन बात करें तो जहां पर दो दो हो गए तो वो मोर कॉस्टली होगा, ये लेस कॉस्टली होगा। शेम फॉर दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट दोस्तों, चैप्टर नंबर 3, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का अच्छे तरीके से? चलिए तो दोस्तों, लगभग 1.5 घंटा लगा हमें इस पूरे कंसेप्ट को कवर करने में, ठीक है। अब ये जो मैं आपको करा रहा हूं, इसका रोल क्या है, ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये रिवीजन्स में बेसिकली मैं कोशिश तो करूं कि मैं कंसेप्ट को भी रिवाइज करा पाऊं, बट एक्चुअली मैं कंसेप्ट में उतना नहीं जा सकता, मेरा काम है आपको हर चीज को क्या कराना, रिकॉल कराना। तो इसीलिए इस लेक्चर को 2 से 3 बार अगर आप इसे सुन लेते हैं तो सुनने की वजह से फायदा यह हो जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा कि हर जगह की हेडिंग याद आ रही है, हर जगह के कंसेप्ट हमें रिलेट हो पा रहे हैं। समझ में आया? लेकिन सिर्फ इन्हीं लेक्चर से काम होने वाला नहीं है, आपको पढ़ना जरूर